लोए 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 हाँ वेस्ट। हाँ क्या ये प्रॉन बने देगा? स्टार्ट करते पहले। लाइव लाइव है। ओके हेलो गाइस, वेलकम टू, आई डोंट नो व्हाट क्या बोलते हैं इसको, अभी लेट नाइट पोकर रिव्यू स्लैश सैटरडे विद विवेक देसाई। यस स्लैश पार्ट ऑफ योर प्ले एग्रीमेंट। सो बेसिकली मेरा आइडिया क्या था, मैं डे बाय डे रिव्यूज तो करता हूँ राइट हर स्ट्रीम की, बट ऑफ ऑल द प्लेयर्स हू हैव प्लेड यू हैव हैड द मोस्ट इंप्रूवमेंट, फेयर इनफ, अक्रॉस द फाइव स्ट्रीम्स, फाइव स्ट्रीम्स राइट इंक्लूडिंग द वन दैट वी डिड लाइक बिफोर तन्मय जॉइंड, यू हैड द मोस्ट इंप्रूवमेंट। तो मेरा मेरा प्लान था कि तेरे को मैं पहले तेरे पहले एक आध गेम दिखाऊं, यू टेल मी व्हाट यू डिड रॉन्ग बिकॉज यू हैव इंप्रूव्ड इट नाउ, सो यू शुड बी एबल टू स्पॉट इट विदाउट मी हैविंग टू सी एनीथिंग। ठीक है, सो इज दिस गोना बी लाइक अ पोकर इंस्ट्रक्टिव स्ट्रीम? It will be instructive slash I just want to get inside your head and understand like what you were thinking when you made a move, your thought process, just generally how you were betting and why, your ATM pin, stuff like that. So अपन जरा ये कर देते, पहले start कर देते यही वाला, पहला वाला, the first Sunday with Poker Stars, ठीक है? नहीं कोई जरूरत नहीं। This is your hand right now, ठीक है? राइट ऑफ द बैट यू कैन सी कि तूने बिग तूने बिग ब्लाइंड में तेरे पास 8 5 और 10 दिख रहा है क्या हमारा स्क्रीन पे? दिस इज द वर्स्ट वर्स्ट थिंग टू डू विद दैट हैंड। अभी हमारा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। चलो अच्छा अच्छा, हम बस ऐसे खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं ब्रो। मुझे ओ यार, वी नीड टू पॉड हियर बिकॉज़ यहां पे तो गेम नहीं चल रहा है, यहां पे तो वो टेबल्स का मर्जिंग का सीन चल रहा था, सो वी नीड टू मूव आई थिंक सम टाइप इन प्लेस अराउंड हियर। अच्छा, तो मैंने इसलिए एटी किया था वो लोग अपने आप फोल्ड हो जाए और मेरे को मिल जाए 40। करेक्ट। ओके, तो इधर से स्टार्ट। पे भाई रोड ब्लॉक है। बढ़िया बढ़िया। हु वन दिस वन? आई फॉरगॉट हु वन दिस स्ट्रीम। मी ब्रो, आई स्ट्रीम विद आमिर खान दैट डे। अरे टाइम टू टाइम आई एम रिमाइंडेड व्हाई यू आर सो पॉपुलर मान वगैरह। एक आता तो क्रेजी क्रेजी निकाल लेता है मेमोरी से तेरे, वो ये मेमोरी पोकर प्रोबेबिलिटी में भी यूज कर, सात बार बायोरिटी करना पड़ेगा इंटरनेशनल स्ट्रीमर्स के। इधर 50 मैंने डाला है। या और क्या ब्लाइंड्स का है? आना विवेक देसाई। एक दो आना भाई, एक दो क्यों ब्लाइंड है लेकिन? दिस वाज आना मेरे साथ। अच्छा, द फर्स्ट डे ना पड़ा आया। आजा फिर लेता हूं तेरे को, ऑल इन करवाता हूं। आजा, ये क्या यहां पे तो मैं कुछ भी खेल रहा हूं। 50 मेरा है। That's the point to show you now. कि देख क्या बात क्या कर रहा है। How much you bet first? चलना क्या, डर क्या रहा है? पेड़ है क्या? कुछ कोई चांस नहीं है। बस सिक्स पेयर है, मैं फोल्ड कर दिया। अबे इतना इतना नैरो माइंडेड नहीं हो रहे हैं बराबर। 9-7 suited. Now the thing is you are right now you are under the gun right basically. नहीं लेने देने का। अरे तुषार जी फिर से कॉल। Under the gun is the one after big blind right? Yeah. So they unless they have something sexy they don't raise, they just check. Yeah. And I like a truth here raised. You raised 28 times the blinds. Bowling bro the game. Super idiot bechara. Tight poker khelne ka try kar raha hai. 28 times raise kar diya under the gun. Are badhiya rider. If I called this I had a good hand. Aur dekho aa gaya two pair. But this is not a lesson to raise under the gun. This is the worst thing to do. This is like luck. Yeah. This is like saying you know this one time I drove using my feet. And still, so वापस भी कर लेता हूँ मैं। हाँ। अभी तो घर आ ही गया था मेरे। Check. And now would I check here? No. Should have checked. No. Should have checked. No. You had to bet. If you didn't bet here, then it's clear sign of weakness. There can't be a strategy. Sure, but तेरे को पता है यहाँ पे ना there's a straight draw on the board as well. Hmm. Oh ho! तेरे को पता है क्या सब? See, I folded immediately. क्यों? Why don't you check raise? Weber probably had a straight pocket pair. Yeah, I probably had like pocket kings or ace king or something I had most likely. Let's call. Yeah, if I called 56. Let's add some musti here, bro. And now I should be scared because there's straight opportunities. Yeah. My two pair, I always play two pair wrong, bro. Oh ho! Yeah, look. But you won this. I won this. Got it. Brother, oh. All in kya tha, Weber? This is a bad beat. Oh yeah, yeah. And then I lost this. This oh, is fuck. A very bad beat. But like to be fair, you should have lost this. I should have lost this. Yeah. 15-6 under the gun. Oh no! No! Now 8-6 suited. अभी तू वापस करेगा रे रे मेरे को बर्ड फील आ रहा है। अक्षत ग्रेट स्ट्रीम, अब गुड बीटिंग, थैंक्स मैन।
डार्क मोड कैसे करना है? एक्शन ना ओबीएस में इसको हाइड कर दे पीछे विंडो कैप्चर को. ओके हां अब जाओ उस पे क्रोम पे. ये नहीं रही दूसरे वाले पे. राइट हाँ हाँ और उस पर टॉप राइट पर मेरे नाम पे जा और डार्क मोड है. स्विच टू इधर अपीयरेंस डिवाइस थीम ना डार्क मोड परफेक्ट. अरे सेक्सी लग रहा है ना. मस्त लग रहा है भाई. भाई आज हम पोकर ढंग से मतलब यहाँ पे कौन है इसको नहीं आता है पूछे क्या? पूछना पूछना. एक है जैसे मैं अभी क्या 1300 ऑफ पोकर हूँ तू मान ले 2000 ऑफ पोकर है. Sure, I think you're more like 1500 red. हाँ, 1400. Related to the people we are playing. तो chat में देखते हैं. Chat, what do you think you are? Let us know in the chat. ये उसको live chat पे कर दे. मैं हाथ धो के. हाँ हाँ done. सब 400, 500, 600 डाल रहे. भाई 500 भी मतलब तुम्हें rules समझते हैं? By the way, when you say 500, ना, it means you know the rules. Zeros, I guess, my point. Is there any zeros here? Yeah, there are a couple of zeros. Okay. Got it. That is अपना मारियो जनता. तो अपन थोड़ा थोड़ा cover कर सकते हैं. Cover कर सकते हैं. I think अपने आप समझ जाएगी जनता. Correct. Okay. Okay. Excellent. Let's go. Everything is sorted. Let's. अरे कितना और ये है रे. इसको वो करना एक्सेन मेरा वो आ जा वापस जाओ उस पे ओबीएस पे उसको ऑल्ट दबा के वो कट आउट करना सेक्सी करना उसको थोड़ा. भाई कैसे तू स्ट्रीम कर पाता है ऐसे? तेरे दिल में नहीं छुपता वो कि बहन चो क्या है ये? अबे पोकर स्टार्ट आ जाएगा तो फिर क्या? सिर्फ वो क्लिप हो भाई और वो बड़ी हो और थोड़ी राइट में हो और थोड़ी ऊपर हो. देयर इज नो अंडर द गन 500 पोजीशंस आर कैलकुलेटेड. 1 सेकंड. Positions are calculated. नहीं नहीं. If he's right, he's right. Positions are calculated from the dealer, but they're not big blind. Next to dealer cut off, then hijack, etc. He probably this guy seems like he has more technical poker knowledge than me. I just usually work by the thing. Unless it's three handed, just better not to go big under the gun with a hand like that. थोड़ा तो छोटा कर. ठीक है. मतलब ऐसा दिखे तो सब. इधर. और थोड़ा. इधर. बस. ये आप लग रहा है ना अपन analysis कर रहे थे क्या तू? लिखने देना सनी लियोनी से तो अच्छा है. वेंचो समय लियोनी से तो बढ़िया ही है. ओके सो लेट्स नाउ ये वापस अबे वो लेफ्ट वाले पे क्लिक कर रे बूमर. हां सॉरी. ओके लेट्स स्टार्ट. अब मेरे को पता है मैं तो 86 सूटेड किया गया करता. द फन पार्ट इज आई डोंट नो व्हाट टू डू. यू विल प्रोबब्ली रेज. सो हियर आई एम बिग ब्लाइंड. या बिग ब्लाइंड. या तो बिग ब्लाइंड जो रहता है उसका डिफॉल्ट 2x ब्लाइंड्स रहता है चाहे वो खेले ना खेले. करेक्ट. बिग ब्लाइंड इज द ओनली वन हु इज कमिटेड टू प्ले विद इन इनिशियल बेटिंग अमाउंट. स्मॉल ब्लाइंड हैज. या so if I am the big blind, yeah, I am the last to act also in the first round. In the first round, correct. So that means, मैं बाकी लोग कैसे खेल रहे हैं? अगर अभी वैभव दो डाल रहा है, विवेक पांच डाल रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं. Correct. And उस हिसाब से I can use it. That's the only advantage of being big blind. That's the only advantage and the second advantage is this, ठीक है? And this is something that you will click in your head when you hear it. कभी कभी तूने ऐसे देखा है? There's like 4-7-7 on the table. एंड यू थिंक कि यार कैसे ही फुल हाउस होगा किसी के पास बिकॉज़ नो वन वुड स्टे इन विद अ 477 एक्सेप्ट द बिग ब्लाइंड. सो बिग ब्लाइंड कैन प्ले बैड हैंड्स आल्सो. करेक्ट. सो इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ 477 एंड द गाय यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इज प्रिटेंडिंग लाइक ही हैज अ फुल हाउस जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इफ ही वाज बिग ब्लाइंड और नॉट एंड व्हाट द बैट वैल्यू वाज. दैट विल एक्चुअली गेट यू आउट ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लफ रिलेटेड सिचुएशंस बिकॉज़ नो वन विद अ 47 ऑफसूट इज गोइंग टू स्टे इन द गेम मोस्ट ऑफ द टाइम्स. So this is basically a big blind, a small blind. Guys, you can see that dealer button. Can you put the cursor there? That is a dealer button. So वो हर round में clockwise it keeps moving. तो अभी Vivek के पास है, अगली बार rider के पास है, फिर समय के पास है, फिर Vivek के पास है, फिर probably Suhani के पास है क्योंकि Vivek को अगली बार बुलाएगा नहीं वो. तो but it keeps going round and round. एंड जो भी डीलर के राइट में रहता है दे आर द स्मॉल ब्लाइंड. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे राइडर के वन लगे ही हुए हैं, मेरे टू लगे हुए हैं बिकॉज आई एम द बिग ब्लाइंड. आई कम आफ्टर स्मॉल ब्लाइंड. राइट. करेक्ट. ठीक. निकल गया मैं आज पास नहीं था कुछ. मैं शुरुआत से बोल रहा हूं सेटिया को ट्रस्ट मत कर. अच्छा एक्सप्लेन मी दिस. स्मॉल ब्लाइंड का एक रुपए लगाई है तो इवन स्मॉल ब्लाइंड शुड बी एबल टू प्ले डिसेंट हैंड्स बिकॉज एक रुपए और डाल के कॉल तो कर सकता था वो. It depends on what the blind amount is relative to your buy-in. If abhi samajh apna 100 rupees rehta blind,
So then even 2 rupees ka buy-in is detrimental. If you have 1,000 ka buy-in and 2 rupees you're putting in, then yeah, he could probably have put in 1 rupee before he went. Because the chances, it's a 10 times more multiplier, not going bust, when you keep on losing these small, small things. Okay. Yeah, haath bhi itna ganda hota hai. That's the second thing. Because he's seeing three people are in. I'm not saying Nishant Tanwar played with that mindset. But generally speaking, if you're folding with this, he might have also seen ki three people are in. I have really bad cards. Why even waste 1 rupee? But is there any benefit of being small blind? Benefit is there in the sense that you can call. This is again, when I'm explaining these things, I'm telling you from my perspective. I'm not saying the universal truth of poker. So you can call more often with mediocre hands, but if it's a really bad hand, I tend to fold unless it's a very loose table. Agar sab log aise maze maze mein paisa dal lena, then you can. Then I play a little tighter. If everyone is playing very, 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 very tight, ki sab, I see ki, you know, you're folding 4 out of your 6 hands. Or, you know, 8 out of your 10 hands. Then I might actually raise a bit from the small blind. Thoda main risky khel sakta hoon because mujhe pata hai ki tu varna paisa dalega nahi. So that's the point. Then I'm going to try to make money off of you by you folding every time because you think I have a good hand and you don't want to risk calling a bluff. Flop khulta hai 9-6-3. Yeah, but spades. Spades. So yahan pe ye dekhte hi mere dimag mein ये आ जाता है कि भाई यहाँ पे फ्लश हो सकता है. करेक्ट. यहाँ पे मेरा पास 6 पेयर है, किसी के पास भी 9 हो सकता है. या एंड किसी के हाथ में पॉकेट पेयर हो सकता है. सो आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग माय आउट्स कि ये सब चीजें मेरे को छोड़ दे. आल्सो नाउ इन दिस आई डोंट नो व्हाट आई डिड देयर, बट इफ आई वुड प्ले दिस हैंड नाउ आई वुड प्रोबब्ली चेक हियर बिकॉज़ आई एम द फर्स्ट टू एट बिग ब्लाइंड के बाद डीलर के बाद हूं. और अब मैं अगर बेंचो डाल दिया 10 40 डाल दिया मेरे तो फोल्ड ही कर रहा हूं 10 तो गया मेरा. क्विक क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड द डीलर बटन एंड यू हैड द सेम हैंड? इफ आई हैड द डीलर बटन एंड बोथ ऑफ अस चेक्ड, इफ बोथ ऑफ यू चेक्ड, या आई वुड ब्लफ, आई वुड गो लाइक परफेक्ट एक्सेलेंट. दैट्स यूजुअली व्हाट यू हैव टू डू अनलेस यू एक्चुअली हैव अ फ्लश, देन यू चेक. या आई डोंट नो व्हाट आई प्रोबब्ली वुड चेक हियर आल्सो. उसका एसआईपी वाला सीन था. अरे चूतिया आसम है ना मैं चोर. ओके राहुल मलिक, स्मॉल ब्लाइंड इज कंसीडर्ड द वर्स्ट पोजीशन टू प्ले बिकॉज़ यू हैव टू गो फर्स्ट post flop. Good strategy is to fold with most hands and raise with a very good hand from a small blind. So okay, Eminem, hai, bhai. You're Eminem without the clarity. And the lyrical sense. And the numbers. Money, and like so many things. And genuine fans. Dekho la, kya likha hai usne? Padhte hai apne ek baar. Small blind is considered the worst position to play because you have to go first post flop. Yeah. Okay. Good strategy is to fold with most hands and raise with very good hand from small blind. Okay, thank you. समझ जाना चाहिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. और तेरे पास एक स्पेड भी रहा तो मेरे लौड़े. तेरे को पता कैसे चलता है? पर अब दिक्कत यह है कि अगर मैं अभी चेक करूं तो तेरे को समझ गया है कि मेरे पास चूतिया गिरी है. That's why see now you have really bluffed here. तो अब मैं तेरे को दिखा रहा हूँ कि मेरे पास spade है भाई. If I fold this na, it means I have like four or seven of spades or something. सीधा stack आते तूने पैसे डाल दिए, क्या ही रहेगा और? What do you think you did here? I don't remember what I had. Still. I think I might have folded. ये illusionist magician तो है भाई, mentalist जो भी है भाई. बट तू तारीफ भी बहुत कर रहा है मेरी, which means you make want me to think it right. सारे के पास होगा. Oh no, yeah, I had a high card. हाँ. 7 high. यहाँ तो मैं फोल्ड ही करूंगा. अब मैं समझ गया हूँ कि तेरे पास तो है भाई. आपको फक अप करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं कॉल क्यों किया? चूतिया गिरी समय है जो क्या 6-8 लेके. रिवर्स साइकोलॉजी ऑन हिमसेल्फ. विवेक देसाई के पास है 2 स्पेड. ये विवेक देसाई ने रिवर्स विवेक गो ऑल इन, गो ऑल इन, गो ऑल इन. कम ऑन विवेक, गो ऑल इन. आधा गो ऑल इन, आई पुट दिस मच. आधा 352 डालेगा ना मारचो. डाल देगा थोड़ा कट रहा. Bro, I better have folded here, bro. अबे नहीं है भाई, 6 pair, 1 pair पे खेल रहा था भाई. हाँ, good one. बट क्या waste पैसा दिया मैंने तेरे को? But तेरे को पता है, I can do something. The way I play ना, and I still play this way, is there is a very good chance that I probably had nothing also, but I kept betting in a way that made you think I had a flush. But you never bluff. I know you. You never bluff. I bluff once in a while. Very rarely, but I will bluff. This is one of the worst hands I think in this position. Yeah. क्या करूं मैं H2 का? H2 मैं I would, I don't know. The one thing I don't do is I don't bluff so much on stream. Only reason being ki when I'm playing, but I actually play a lot. Now I play a lot of cash games on PokerStars whenever I have time free. So if people how much think money have you made in cash games? In the past week, this shouldn't be an endorsement, by the way. 10 rupees. Add 3 more digits.
Oh. Yeah. And then on top of that, I don't play more than 2-5 rupee blends. ठीक है फिर पगार कल से कम है. Okay. I really thought we had a flush because of the way you betted it up front. अबे 10,000 रुपए भी तो खत्म करना है समझना तू. मेरा 3 ओवर काइंड था. सेजल ऑल गुड. अबे पोकर शॉट खाने वाला है. वेरीफाइड चैट झूठ बोल रहा है. 400 रुपए हारा है. नहीं मेरा अब कंप्यूटर. तो अभी मेरे हाथ में एस टू है. या ठीक है. सौरभ ने 2 डाले हैं मतलब कॉल किया है. वेबर सिटी ने 4 ही हैज इंक्रीज्ड इट. वुड आई कैन आई टेल यू नो एस टू बट not that great a hand especially from because the thing is this is what it's called low ace. What ends up happening a lot of times is ki you will call this there somebody else will have an ace better kicker and that's why this is like a poisoned fruit. You can call depending on what the raise is but not too often especially not out of position like this. Hang ho gaya but yahan kya hota hai fitness ka message aa raha hai mere ko kya bhai kal kitne baje main jeetne wala hu bhai main kuch mere ko covid ho gaya bol do usko. This is not valid by the way. Ek game I have to do betting or decent odds if he can make sure the guy after him goes bust. So usually what you will see happen is ki agar tere paas acha haath hai na or even if you have an okay hand and you don't want this guy to see the turn of the river, you will end up putting so much money that this guy folds and then you are over these two in position. Oh. So that means ki you can bully them out of the game if they both check. That's cool. That's cool. But that's why so main kaise bluff karta tha bolta I don't bluff with a bad hand. You bluff, I bluff with a good bluff, hand. You bluff when someone asks you how much money you made on poker. Yeah. And I bluff with a good hand. A lot of times I'll have a great hand, but I'll just check. Now I know that's not technically a clear bluff, but that basically means I'm underrepresenting my hand. Got it. Samay ko bolo collab with Amarnath. My. Okay. No, my I think input. Sejal is the winner. She destroyed everyone in the previous one. I did. Why would I 10 rupees kyun dala main idhar? Main kya chutiya ki tarah khelta hu yaar. Bhai tere ko pata hai kya? Main tumko ek cheez bolu. This is depending on the way you look at it and the kind of players you're playing with, this isn't necessarily bad because I'll tell you what you're doing here. Okay, a lot of people could have a 6. Now I know you didn't think this through. Tu bas dekha rahega ki tera ek pair aur ace kicker hai. But the thing is, a lot of people could most likely no one has a pair here, but they could have straight draws. They could have a 6 or something. So what you're doing? Hey, no, like, I also have straight draw. Ace 2-3-4-5. This is a bad straight draw, but ace 2-3-4-5 is a bad straight draw because anyone who has a 6 is better than you. Okay. So this is a very easy way to get screwed. If you have 5 hit one aaya pe, then anyone with a 6 is better than you, and a lot of times you get blind to that. Also, man, I was probably not thinking. I was so overwhelmed at that time. Yeah. Mancho, abhi aamir khan ke milke aaya hu. So yahan pe, but even then, I'm just telling you, not necessarily bad, only because you might end up throwing a few people out of the game who might have ended up getting a straight on the turn and where. Like I'm telling you, I would have probably folded this if I had a straight draw. It's so weird, the blinds, no? 1-2 with this much stack. Basically, they didn't want to be in a situation where players go all in on the 4th or 5th hand and then are kicked out. Needed to happen again. भाई अभी ट्रैश टॉक करने के लिए और थोड़ा पैसा आ जाना बस. समय भाई पोकेमॉन कब? सून गाइस, वेरी सून गाइस. कर कर कोई नहीं कर कर तू 338 रुपए में कर. आप क्या 150 नाउ एवरीबॉडी हैज कॉल्ड कॉल्ड या दिस इज बोल रहे हो भाई. भाई अभी तो तेरा अच्छा पार्ट आ रहा है. अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं समय रह रहा प्रो पोकर प्लेयर देख रहे हैं अपन. सेठिया बैठा है, मैं बता रहा हूं, हजार है उसके पास. उसके उसके हिस्से की ट्रैश टॉक तो हमें करनी पड़ेगी ना. सेठिया भाई कभी का ट्रैश टॉक नहीं किया भाई, ना चेस में ना पोकर में ना जिंदगी में. यू चेक्ड हियर राइट? दैट्स अदर प्रॉब्लम. इट मेक्स सो इफ आई एम प्लेइंग हियर ठीक है, एंड आई हैव इवन अ डीसेंट हैंड, आई एम रियली वंडरिंग व्हाई यू वुड चेक हियर. शुरू में 10 डाल के यू प्रोबब्ली थिंक मेरे पास क्वीन क्वीन है या कुछ है जो लग गया है. सो व्हेन यू बेट हियर ना, यू हैड ideally you should have bet 10 rupees here, that would have been a continuation bet. So you should have most often, especially if you are the first person to raise and you're the first person to bet again, you should have bet. So you have to maintain the character ki mere paas hai wo pata. Either that or you have to be immediately prepared to fold if anyone here raises. Theek hai. Or yeah. Abhe kya hai? Vaibhav roast bhi ekdam sweet roast karta hai. He doesn't even like. Abhi to flush draw bhi aa gaya. You are dumb. Aisa bolta hai. You are dumb but I still love you.
I hope you folded. I hope I folded, man. No, man, too rich for my blood. अबे चलो भाई आपको so I had I think one of these two on flush I had so I क्या चूतिया समय मैं कॉल किया है बढ़िया पैसा मेरा ये लो oh he so this guy had two pair कैसे खेला हुए मैं वो so मैं अभी तो तेरे को समझ आया clearly like if it's a clearly a skill game because you're seeing objective mistakes you made yeah. and you improved and suddenly you're like literally top two every stream now but I'm not there special का नाम याद आ गया don't बहुत मजा आता है पोकर खेल के आई डोंट नो व्हाट इट इज नाउ आई एम द डीलर बट मेरे को लौड़ा तब पता है वेंचुत क्या आ गया है देखो तभी भी पोजीशन पता था यूजुअली क्या किया इधर मत प्लेड फोल्ड कर दिया फोल्डेबल हैंड क्या था मेरे पास फोल्डेबल हैंड क्वीन 5 ऑफ सूट फोल्डेबल हैंड बाय एज अ एज अ आई वाज प्लेइंग फकिंग व्हाट इससे पहले यू कैन बट इफ अल्ट्रा टाइट यू कैन यू कैन समटाइम्स व्हेन आई वाज अ डीलर मैन आई वुडंट होल्ड इट आउट ऑफ पोजीशन एंड जस्ट वन बक स्पेशली विद ओनली फॉर थ्री अदर प्लेयर्स इन द गेम आई एस सीजन का स्कीम है भाई दिस वाज अ डिसेंट प्लेयर हम तो मैं टू हायर पेयर्स बट आई वुड हैव फोल्डेड नाउ एंड टू डायमंड्स I am semi pro poker player and it makes me feel so happy that you guys are making poker popular in India Daniel Negreanu start playing chess and Samay start playing poker bro I hope he collabs one day yaar yeah let's go but like can you do you see the great great I'm so happy that you are enjoying the stream but there's one problem here he is saying he is calling you a Daniel Negreanu parallel in chess because he is saying Daniel Negreanu playing chess and Samay Rana this would be like a you know like Carlsen started in poker aisa bol raha you're just jealous bro let's go ये क्या देख रहा हूँ मैं फोल्ड हो गया ना मैं ओहो ओहो ओह आई वुड से हैव यू प्ले विद पॉकेट जैक्स प्रोबब्ली बैड सिंस वी आर डूइंग स्पॉन्सरशिप एपिगामिया वेरी गुड योगर्ट ओके बहुत मस्त है This is one of those hands that you can raise on the small blind also. You let everyone else call and then you raise them at least four times. Probably put 8 rupees here. Oh, bhai. Or Milky Mist. Oh, Milky Mist with peaches. How can anybody give a blowjob after having that? Like, How can somebody give a blowjob after having that? Once you have that it's in your mouth. It's all cold and all, yeah? And no, then you, so, like when once something comes out, you don't even... जरा सुनकर बताओ क्या कह रही हो मेरी धड़कन प्यार भी भाषा प्यार की भाषा हमें नई नई सीखी है Man, Karan Shri, bhai. I love the poetry. I'm just curious why it's here when we are on stream. Arey, travel with Nicholas. I'm just kidding, man. You're the OG poet of our community, bro. No, I just like to look down upon it when men are doing it. Yeah, yeah. This is the reverse. 8 rupees. Because you put 2 rupees. Now you should be a little worried because anyone who calls here is going to again. But like with Saurabh, you never know, right? He could just have like two hearts and be taking a drop of shot. Like yeah, you really have to play the player. No, no, yes. Pata nahi wo kaisa khela. Acha khela. No, no. He played very easily, but like he was calling with like his Saurabh thinking like he sees a hand, na? He plays like this. He sees a hand and like इसका तो अच्छा हाथ आई सकता है. But technically कोई भी पत्ते का अच्छा हाथ हो सकता है. You could have like 2-7 also. अरे उसको पोगो उसको बच्चे बच्चे बालने उसको. अरे वो पता है मेरे पड़ा में भी गुस्सा है. In your case you can. वो कुछ भी खेलता है वो चिंता ना है but you can be a little less worried कि ये था नहीं उसके पीछे देखना टेडी बेयर है वेंचो तो उसको थोड़ा ना कुछ चाहिए पर बोलो अगर यही मैं या वैभव रहते देन यू शुड बी वेरी वरीड ऐसे प्लेयर के साथ क्या करने का रे जो जिसको कुछ प्ले द हैंड नॉट द प्लेयर व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज ना यू कैन काइंड ऑफ increase his range because he is going to bet with anything and then start playing to the quality of your hand. I thought it's just about that emoji, ye wala emoji. And it started with them. See, you have to play tight because you don't know how losers play. Take spy cameras and put them in changing rooms, etc, etc, because the technology then it led to this and then it led to whatever else. Noida, Noida ki baat ho rahi hai? Noida mein changing room nahi hai. I think by the way, like somebody in the chat will say takla pagal hai and then they'll have to see. Saurabh ne itna crazy theory de diya for end mein, I think ekdam bad hai. Doesn't have anyone. No, I mean, yeah, unless you have two spades. So now I kind of know that उसके पास ace नहीं है ऐसा उस वक्त मुझे लगा होगा इसलिए मैंने 12 किया कि जिस तरह इसने पिछले उस पे दो डाला he probably doesn't have the ace yeah.
I have a top pair. Unless he has a king and a king shows up on the river, I want to get him out right now. Yeah. But usne 24 gaya, so now I know he has an ace. I would call this. 20 rupees mera pura. Okay, this is thoda extreme. Now it's like dick measuring. Maybe I have all. But the problem is that I am the first to act every time. So, I feel like you're suffocating, right? Because you don't know what to do because other guy can do something. Well, if I check, he knows I have nothing. Yeah. If I raise, what if he has something and he re-raises me? Correct. I also found playing heads up against Samaj like a dance. Like a one time you're on the front foot, the other person on the front foot. Yeah, you go back and forth. Yeah, like this is tough now because what could he have? He could have a three and a five. That gives two pair. He won. He had two pair. I that six game. But you see, how are you playing with two pair? Yeah. अभी तक वो किस I don't know even I would have, I see the thing is that's why I was playing so tight against these guys कि I might have folded at an all in here I might have folded because the thing is कि there are too many things which could like trip you up as a I would have folded all in here but river पे किसी का लगता है ना बहुत गुस्सा आता है भाई बीटी हो जाता है मैदान में ओहो Can we not see this pain? Okay, let's go to another one. Okay, this one is good. Okay, cool. But this one has you in it, bro. ये विवेक के सामने ये रेड बटन है ये क्या है वो डीलर बटन है यश गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा विच इज अ वेरी लाइक Does timing matter when bluffing? Should you be quick or slow while raising? The thing is, it's easier to bluff when you're in position because you kind of know, you can play assuming what the other guy has. He's not asking that. He's saying ki tum kitna, I think what he's asking is ki agar tum 20 second leke bluff kar rahe ho. Yeah. I think mind games so rehte hai vaise. Woh to rehte hai and that's one more thing. So like, this is how I play. Theek hai? When I'm playing on the app now, I never click the check button by default. Okay. Because what happens is if you click the check button by default, now the other players know that you're not really happy with the hand. So you click check or fold. Yeah. Think about it. Logic. That's how I read other players. When I'm playing now, I don't know kuch strategies nahi bolne chahiye because then you become predictable when you're playing. But just generally speaking, that is one. That's where timing becomes very important. Got it. So basically, if we have to answer it, we can say that if you have a motive clearly behind you. For example, jaise agar tumhe pata hai ki mere paas abhi हाथ में जो पत्ता है मेरे को ऐसा दिखाना है कि मेरे पास एस है yes, you can also bluff that. तो तुम्हें जो दिखाना है व्हाट यू वांट टू इंटरप्रेट अब तुम वो कैसे करोगे तुम वो जल्दी टाइम लेके करोगे कम करोगे इफ यू क्विकली बेट तो उसको लगे तुम्हारे पास एस है करेक्ट तो अगर तुम ये भी कर सकते हो कि तुम्हारे पास है सबसे बढ़िया पत्ता पर तुम उसको दिखाना चाहते हो कि मैं नर्वस हूं Correct. फिर वो कैसे देखें वो तो पर्सन पर्सन पे सो आई थिंक यू कैन सो दिस इज वन टाइम नाउ आई नो द अदर पर्सन इज ब्लफिंग And I did the other thing. So I had my finger on the check button. I had the nuts. I had like a full house and I knew the guy had nothing. So I had my button on the check thing. And what this guy did is he was waiting for the flop. So I knew I had a full house on the turn only, river, kuch bhi rahe. I just hit check right away. I didn't click check fold. I just hit check right away. And this guy thought ki he just by default clicked the check or fold button. So ye bande ka kuch to rehne wala. The reason I didn't click check fold is because if he raises, then I automatically fold. So I didn't click that, but I made it seem like I clicked it. So he went all in and I called him. Oh, nice. So you can turn it in your favor also, but more often than not, if you check immediately now, like you know, in like a millisecond, because you click that then button, you know he doesn't have most often than not, people will read you like that. That's how I read. Vivek speaks in 2x as default. इसलिए 0.5 button है ना भाई. नहीं भाई इसलिए 55 के ही है. भाई समय ने मेरे को बहुत बहुत ऐसे सुना के भी डर है कि तो थोड़ा slowly बोलना. अरे I just want you to. I don't know. भी डीलर बटन आता है उसकी टर्न लास्ट आती है आफ्टर द फर्स्ट राउंड तो वो सबके बैटिंग पैटर्न देख नाउ दिस अबे मार चोर बोलना 4-8 फोल्ड
ये तो मैं अगर चेक भी करे तीन लोग मैं फोल्ड करूंगा अभी कंट्रोल कर सकता हूं गेम ओके और मैं तेरी स्क्रीन पे जाके तेरे कार्ड्स देख सकता हूं अभी उससे अच्छा इंजीनियर सर के विशियान को ही हरा दो ना यू विन दिस हैंड ना सबको तेरे को 1000 देना चाहिए ऐसे अरे भाई देते मैं और डबल राजू की भाई पोकर में भी इंजन होता होगा ना हां ऑफ कोर्स अगर किसी पास 27 ऑफ सूट आता है ना हाँ. तो अगर वो जीतता है तो हम लोग हाँ. सबको 1000 मुझे लगा तो मजाक कर रहा था मेरा ये मेरे को लिटरली यही क्वेश्चन पूछने से वाली चली एक्चुअली तुम लोग बॉट लेते हो सो देन व्हाट यू लाइक शो द अदर पर्सन पक्की वाइब ले ले दो साथ ले वर्स्ट लाइक द वर्स्ट टाइम टू हैव या या इट्स अल्ट्रा अननोइंग आल्सो लाइक इफ यू फोल्ड इट टू दैट यार द बीटी होता रहेगा दूसरे बंदे का कोई एस किंग लेके फोल्ड किया ऑल इन चला गया जो 27 ऑफ बाय देयर इज दिस परफेक्ट वीडियो व्हिच आई डोंट वांट टू शो राइट नाउ बिकॉज़ मेरे को पता नहीं स्ट्राइक लग सकता है जिसमें डैनियल लेग्रानो इज प्लेइंग अगेंस्ट दिस गाय कॉल्ड फिल हेलमुथ Twitch by Twitch. And Phil Hellmuth has like the most WSOP bracelets of all time. 16 hai uske paas. Daniel Agnalo and is the highest cash winner of all time. Daniel Agnalo. So, dono legends hai apne. Phil Hellmuth has ace and he has a king and a four full house. And Daniel Agnalo has nothing. And he has made Phil Hellmuth fold because Phil Hellmuth ko he showed as if this guy had ace and king ka full house. Wow. So, sick hand. भाई देख सकते हैं डैनियल लेग्रानो तो अभी सुपर चैट करता है अपने स्ट्रीम पे भाई उसके चैनल पे नहीं है ना अबे पोकर स्टार चैनल हां बट पोकर स्टार यूएस लेट मी गेट परमिशन आई विल डू इट रे ठीक ठीक भाई क्या क्रेजी हाथ है वो करेंगे भाई एक बार पक्का रैप करेंगे बहुत फनी है एंड फिल हेलमुथ इज द काइंड ऑफ लाइक ही इज अ प्लेयर वो गाली गलौज कर देता है सीधा टेबल पे गुस्सा होता ना वो मजे ले रहा है उसकी फिर दो और बार उसको सेम ऐसे आ रहा है उसको दिखाया क्या उसको भी कुछ नहीं था ही डिडंट शो बट ही मेड इट वेरी ऑब्वियस I don't know why I didn't show, but he made it very obvious just to keep that doubt in his head. Got it. Okay, gamer fleet idari hai. Gamer fleet. Fold. भाई एक सवाल आया था मेरा जो मेरे दिल का सवाल भी है. Yeah, yeah. Why not on Acehole channel? Is it banned? You're also folded. Because more reach here and superstar offer more money for doing here. Okay, very very honest. Honest series is back, guys. Honestly, AI went away. I like the vibe in Sundays with Poker Stars. You know, sir, you see, tongue is rolling. There, you are talking to each other. There, you are chatting. Yeah, it's like an event that's happening. Don't confuse bluffing for knowing Must poker. I have done a lot of bluffing. I've not played a lot of poker. Okay. It's like a house party. Cool. Game. I just want to be mentally prepared. You're trying to suss me out. Yeah. अरे I don't know poker at all, यार. I know nothing. I don't. Oh yeah, yeah, yeah. What does fold? What does fold mean? What does fold mean? I won't be able to find this. Wait, we'll just. Oh yeah, we'll just. I want to just revisit this hand. This one. This is one more hand I remember of yours. Okay, you are playing. Third. It was 9-5 off suit. Eh? For some reason, you decided to call this. Okay. Oh man. मैं क्या चूतिया प्लेयर था यार मैं बट का बैटिंग बटन क्या चेंज भाई ये वैसे 10 साल पहले का नहीं दिखा रहा तेरे को पता है इट्स लाइक 3 वीक्स ओल्ड पर व्हाट हैपेंड आई थिंक आई सडनली डिसाइड टू प्ले वेरी टाइट मैं आई थिंक आई विल व्हाट हैपेंड ठीक है यू प्लेड विद दीस गाइस ऑल डिसेंट प्लेयर्स सो यू आर ऑलवेज इन द मिडिल देन यू वेंट एंड प्लेड ऑन अ स्ट्रीम विद बोटेज एंड ऑल दीस गाइस हु आर क्रेजी स्किल्ड देन यू डिडंट प्ले वेल देन यू डिसाइडेड कि अभी क्रेजी खेलूंगा मैं इन 3 डेज यू वन संडे विद पोकर स्टार्स या तो मैं तो हमेशा स्ट्रीम पे आपसे मैं टाइट ही खेलूंगा भाई मैं कुछ मैं नहीं नहीं जरूरी नहीं है यू कैन प्ले लूज इफ एवरीवन एल्स इज प्लेइंग टाइट यू प्ले अकॉर्डिंग टू द टेबल आई एम नॉट सेइंग कि तेरे को हर गेम टाइट लेने की जरूरत है बट जब तेरे को पता है कि ये लोग क्या-क्या चीजों पे कॉल कर सकते हैं पर भाई वो बहुत रैंडम होता है अब सांगवान क्या डालेगा किस दैट्स व्हाई यू प्ले टाइट हियर इफ यू थिंक इज अ लूज प्लेयर यू प्ले टाइट पर फिर जनता कहती है अरे दिस इज ओ फिर क्या होता है ना कभी 5-9 रहता है आपने मैं करता हूँ फोल्ड yeah. वहां आता है महावीर चौधरी 999 तो अब मैं क्या करूँ देयर्स वन गेम वी प्लेड विद योर सम दो दिन डिस्कॉर्ड के लोग थे तेरे राइट वहां पे यू प्लेड टू टाइट हां सो आई वाज ब्लफिंग मोर देन आई डू नॉर्मली बिकॉज़ आई वाजंट ऑन स्ट्रीम आई डोंट वांट टू ब्लफ टू मच ऑन स्ट्रीम आई डोंट वांट टू शो हाउ माय ब्लफ्स लुक लाइक हां सो आई ब्लफ मच बट आई वाज ब्लफिंग मोर देयर बिकॉज़ देख तेरे को पता मेरे गंदे गंदे हाथ रहते थे आई वाज बीइंग लाइक मेरे को से आई गॉट टू और थ्री हैंड्स इन अ रो वेयर आई हैड अ फ्लश बट अ लो फ्लश या सो Then I did bluff a little bit because the other people I knew were playing very tight. So if the table is playing tight, play loose. Play a little, play loose. Play looser than you do normal. Tu toh bahut tight play. That's why you got like, you played well, but you played so tight that you just, your
hands just took you out of the game, man. Because you could never get, you never got that one crazy hand to draw money in. So in those situations, what you have to keep on doing is bluff a little bit when you're in position, so you can keep on getting money back at least. So you keep on seeing more samjha. Action. Samjha. So you have to give you a chance. You have to give yourself a chance to see as many flops as possible. So in that case, sometimes just when everyone checks, just bluff a little in position. So at least 2-3 blinds ke to paise mil jayenge. Samjha. First half or second half of the game. Chat, tum logo ko samajh aa raha hai ki hum kya bakwas kar rahe hain? Agar nahi aa raha hai, to we'll break it down for you. Ye bahut se hai. Samay will remain 1500 whether it be poker or chess. Bhai, Om Gupta, that's actually a compliment because I'm right now in 1300 in chess. What? भाई 1370 पे कुछ तो घूम रहा हूँ मैं भाई रैपिड ब्लिट्स ब्लिट्स में मैं तो बजा नहीं हूँ मैं भी ब्लिट्स में आ रहा है अरे बढ़िया that's true I mean if you are understanding it then I'm sure they are understanding नहीं there are of course there are always people who don't understand we'll try breaking it down yes. but आ रहा है maximum लोगों आ रहा है Okay, this is one question. Now, what if a person goes all in pre-flop all the time and takes the bids? Yaar, aise kabhi-kabhi cash game hota hai. Isme uska kya scene rehta hai ki I keep folding yeah. until I get like a pocket pair and then I will call. Yeah, not as a pocket pair, Jack 10, anything which you know, a good, decent enough hand, you kind of understand how the player is playing. If he goes all in five hands na, unless you have really bad fortunes, ठीक है यू आर गोइंग टू मोस्ट लाइकली देन नॉट कॉल हिम एट अ पॉइंट वेयर ही इज जस्ट ब्लफिंग डूड मैंने स्क्रीनशॉट डाला था कल मेरे स्टोरी पे ऑफ अ गाय हु वेंट ऑल इन विद लाइक अ 4-7 और सम हॉरिबल हैंड ऑफ सूट जस्ट बिकॉज ही वाज गोइंग ऑल इन 3 टाइम्स इन अ रो सो द 4th टाइम आई जस्ट कॉल्ड हिम विद अ गुड हैंड एंड टुक हिम आउट उसके बाद बेचारा एक और प्लेयर टाइट खेल रहा था बिकॉज माय हैंड वाज बेटर वो भी सेम बीटी में था उसके यार व्हाई आर वी सीइंग दिस हैंड वेयर आई हैव 5-9 एंड इट्स एस बिकॉज़ यू आर स्टिल इन द गेम फॉर सम रीजन ब्रो प्लीज फोल्ड नाउ एंड शो फोल्ड भाई दिस इज लाइक सीइंग योर ओल्ड हाई स्कूल फोटोज रे दिस इज लाइक सीइंग योर ओल्ड फेसबुक पोस्ट दिस इज लाइक योर रेडिट नहीं नहीं बीच में ले रहा हूं पुराने चीजें आ रही है मेमोरी में एंड नाउ अब मैं चूते की तरह होपफुल भी रहूंगा स्ट्रेट ड्रॉ आपके पास बहुत ही लूज स्ट्रेट ड्रॉ है यू हैव एन एक्चुअल फ्लश ड्रॉ बट यू सी 7 ए बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द गेम ना कि चांसेस आर तुम ऑलरेडी हैव अ फ्लश हियर सो आई डोंट बेट यू चेक्ड आई होप या गुड चेक सेज आई मीन यू डोंट हैव अ चॉइस 500 डाला है अभी सो तुम्हारे पास तो एस नहीं है आई डोंट नो मैन आई थिंक आई लुक एट इट दिस वे दिस डेज कि जितने जितने ज्यादा प्लेयर अभी भी पॉट में है दैट्स मैथ्स राइट जितने ज्यादा प्लेयर पॉट में है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि किसी के हाथ में दो स्पेड हैं करेक्ट तो जो ही मैं देख लूं कि भाई 3 स्पेड आ चुके हैं इधर या फिर जब 2 स्पेड आ चुके हैं तो तब अगर मैं इतना पैसा डाल लूं कि जिसके पास स्पेड है वो फोल्ड हो जाए तो वो कट जाता है जब समझ रहे तू तेरा मालूम है प्रॉब्लम क्या है इफ यू डू दिस सो लेट्स से यू सी दिस फ्लॉप दिस इज योर हैंड नॉट विद दैट हैंड मैन हां फेयर इनफ बिकॉज़ द चांसेस आर समवन अदर एस आल्सो या किसी को एक का भी सी दिस इज व्हाट यू हैव टू बी वरीड अबाउट प्लेयर्स विद एसेस प्लेयर्स विद एनीथिंग ब्रो व्हाट डू आई हैव देयर या ऑफ कोर्स एंड देन देयर विल बी सम टाइम्स व्हिच यू कांट ब्लेम योरसेल्फ फॉर समवन विल हैव टू सेवंस आल्सो क्या करेगा तू हाउ यू कांट रीड दैट यू कांट रीड टू सेवंस हियर व्हाट यू कैन रीड इज वन एस वेरी गुड हैंड सो जस्ट वॉच दिस आई पुट इट एज़ एस सेजल भी वैसे बहुत प्रेडिक्टेबली खेल रहे मक क्या होता है मक मींस कि हाथ भी नहीं देखा फेंक दिया अंदर बिकॉज़ शी जस्ट शी वन इट बेसिकली मींस मक इज लिटरली मींस द लाइक द पाइल ऑफ कार्ड्स वेयर यू थ्रो अवे योर हैंड बेसिकली ही हैड नथिंग ही डिडंट या ही डिडंट हैव अ हैंड दैट ही शोड बट कभी-कभी ऐसा ही डजंट चूज ही आई आल्सो डोंट गेट टू चूज समथिंग या नो बट यहां पे नीचे दिख जाता ना नहीं पर वो ऐसा क्यों होता है अपने आप कभी मक हो जाता है कभी दिख जाता है अच्छा यू डोंट नो बट दिस इज वेरी पेनफुल टू वॉच यार या आई नो द वे आई एम प्लेइंग
बट मेरे को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है कि भाई क्या क्या गलतियां करी भाई। I always get confused when I get huge check raise. What should I do? ऑटो मग लगाओ। यार सही चल यार क्या बोलिए। I always get confused when I get huge check raise. What do I do? Well, it depends on who you're playing against. यार मैं तेरे को समझ रहा हूँ, मैं अलग खेलता हूँ, तू अलग खेलता है। Suhani play very differently. Suhani goes like very hard in pre-flop. Pre-flop वो 3-4 बार raise करेगी। अच्छा ये मेरे को बता कि pre-flop should you raise if you're under the gun and if you have a good hand? Okay, so this is what I, if you have a good hand and you're under the gun, you should raise. If you think you have the best hand right now, you should raise, only because what could end up happening is you could end up seeing a flop. Like, it's ace, ace, you have a good pocket pair. You should raise because you could end up seeing a flop jahan pe there's like 3 spades. And now your hand isn't as good as it was pre-flop. So what you do is you kick out everyone else before you, after you. Okay. And then suddenly you are in position. And what, when you have a good hand and you are the last to act, you're the big blind. Yeah. सबने अपने आप पैसा डाल दिया है। yeah. अब तू चेक करेगा तो 3 पत्ता खुलेगा। yeah. पर तेरे को पता है जो मेरे हाथ में है, किंग किंग है या फिर किंग क्वीन है, इट्स वेरी स्ट्रॉंग। तो डू यू पुट 60 सो दैट यू गेट ओनली 2 पीपल विद यू जिनको तुम लूटोगे, और डू यू जस्ट चेक कि सबको लूटू मैं? नो, सो द इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ टेबल यू आर प्लेइंग ऑन। इफ इट्स अ वेरी टाइट टेबल एंड एवरीवन चेक्स, यू नो कि कोई ब्लफ नहीं करता, सबका हार्ड डिसेंट है। देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई एंड आई नो मोस्ट पीपल डोंट advocate it, but I have literally on pre-flop checked pocket aces just specifically because I always check if I have anything. I always check, you know, should not always depend on your position, because bahut bar aisa hota hai tumhe crazy hand hai abhi aur by the turn your hand isn't as good as this guy, even and he got to see these 4 cards for free. Now you think you have a crazy hand, he's going to start betting aggressively, you will call him and end up losing. Yeah, so aisa bhi hota hai. So when you're out of position na, you can play a little aggressively if you have a good hand, only because you don't want to let people see cards for free. Samjha. But at the same time, I generally believe in limping rather than aggressive pre-flop raises, because the people I play that against. So you're all your exes have told me. Nice. Why are you talking to my exes? But what? Tera life mein itna kyun sad scenes ho raha hai? Because I am not limping, brother. Yeah, but why are you not limping with them? You could do better, I feel. Anyways, so the thing is ki, I end up playing with a lot of people who play like loose. I won't even say aggressive, because I don't think they know they're being aggressive. They think they're playing on range. But they end up being very loose, so I play tight. But agar main tables pe khelo na kabhi kabhi, I do play a lot more loose than I do on stream, because wo log bahut sare aise players rahenge jo ekdom numbers pe khel rahe. So unko you have to represent hands sometimes, which you don't have. Got it. And you can't become too predictable also. So most of the times I prefer to limp in, because tu dekha na meko wo game mein bhi ki it's like low risk low reward. Slowly slowly main apna, that's how I like to play. Sigma. Anyways, thanks. Sejal ko pichle time chips nahi mile the na last time. Aaja Sejal, pura bagla de. Oh bhai saab. Oh. Now I think after 2 more hands we can move on to some of our good games. Yeah. It's damn painful so far. Okay, ye to forced hai. Ace pair was the only thing I was like. Okay, अब pause करते हैं एक बच जिसको नहीं समझ आ रहा है एकदम शुरू से समझ आ रहा है। तो guys अभी right now बस ये पत्ता खत्म हुआ, ये 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 वाला hand खत्म हुआ, अब नया शुरू हुआ है। और शुरू होते ही हाथ में पत्ते आते ही मैं जो डीलर है, पहले कौन था डीलर इस राउंड में, तन्मय के पास डीलर बटन था, कैन यू पुट द एरो। तो अब डीलर बटन डिसाइड्स ये स्मॉल ब्लाइंड बिग ब्लाइंड। तो अब डीलर बटन हुआ है राइट, ऑलवेज इट गोज क्लॉक वाइज, इट हैज नाउ गॉन टू राइडर ओपी। तो राइडर ओपी विल बी द लास्ट टू एक्ट, वो सबसे आखिरी में अपना बेट लगाएगा आफ्टर द फर्स्ट राउंड। लेकिन फर्स्ट राउंड में मैं जो कि बिग ब्लाइंड है, अच्छा बिग ब्लाइंड कैसे होता है, जो डीलर बटन जिसके पास आता है उसके जो राइट में बंदा रहता है, यहाँ पे राइडर के राइट में गेमर फ्लीट है, वो स्मॉल ब्लाइंड है, उसको एक्स अमाउंट पहले ही डालना होता है, जो कि हर गेम में अलग होता है, किसी में स्मॉल ब्लाइंड 10 होता है, किसी में 20 होता है, तुम सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 250-500 खेल रहे हैं हम, तो 250 उसका बाय डिफॉल्ट जाएगा अब उसके हाथ में, चाहे उसका लौड़ा भी क्यों ना हो। उसके बाद जो बंदा है वो है, उसको बोलते हैं बिग ब्लाइंड, जो कि मैं हूँ। तो मेरा 2x जाएगा, जो एक्स है जो गेमर फ्लीट है उसका 2x मेरा जाएगा, कि मेरा 500 रुपये गया है चाहे जो है कि नहीं है। तो ओनली पर्क दैट आई गेट is that I am the last to act in the first round. तो अब मेरे बाद सेजल डालेगी, फिर विवेक डालेगा, फिर तन्मय डालेगा, फिर राइडर डालेगा, फिर फ्लीट डालेगा, फिर मेरे पे बारी आएगी। अब मैंने देख लिया है कि सबने कैसे खेला है, सबने क्या डाला है, तो आई कैन नाउ कंट्रोल काइंड ऑफ द
आई कैन गेट पीपल आउट. मैं अगर अब 4000 डाल दूं या 2000 डाल दूं, मेरे हाथ में कोई अच्छा है तो मुझे पता है कि चार लोग तो फोल्ड करेंगे या तीन लोग तो फोल्ड करेंगे, तो आई कैन डू दैट. दैट्स द ओनली एडवांटेज ऑफ बीइंग देयर. करेक्ट गाइस, दिस वाज समय ऑडिशन फॉर ब्रांड वर्क ऑन पोकर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, बट आल्सो वेरी करेक्ट. धन्यवाद. तो अब सेजल ने 500 डाला, तूने 500 डाला, या तन मैंने कॉल किया 500 भाई. तेरे में और ये इंसान में क्या कॉन्ट्रास्ट है. क्या ही कॉन्ट्रास्ट है यार. इट्स लाइक ना जुड़वा भाई है जो एकदम गंदा खेल रहा है, तो समझा रहा है कि भाई ऐसा मत खेल. मैं क्या चूतिया की तरह खिला रहे हो. या अच्छा अब मैं करूंगा यहाँ पे चेक ऑब्वियसली. अगर मैं यहाँ पे रेज करता हूँ ना भाई, तू मेरे को जूते से मार. ठीक है. तो हाँ अच्छा अभी नेक्स्ट बता देना. अभी देखो रुक है ना, यही अभी जब सब लोग जब मेरे पे आई वापस बारी, सबने कॉल किया था यहाँ पे, इसने राइडर ने कॉल किया और गेमर फिर को 250 डालने था, उसने पहले डाल के रख दिया था. अब मैंने किया चेक. मैं चाहता था रेस करता था सबको वापस डालना पड़ता, पर मैंने चेक किया, जो ही सबने इक्वल अमाउंट ऑफ पैसे डाले तो तीन पत्ते पहले खुलते हैं. ये तीन पत्ते खुलते हैं. अब जो हायरार्की है वो तो तुम, अगर तुमको पता नहीं है भाई तो पता नहीं कि हम क्या कर रहे हो यहाँ पे. तुम देख लो हायरार्की, बहुत बार हमने दिखाई है. तो तुम्हें अपने आप पता हो जाता है कि तुम्हारे पास वन पेयर है, टू पेयर है कि थ्री पेयर है, या फिर क्या है तुम्हारे. थ्री पेयर कह रहा हूँ, थ्री ऑफ अ काइंड. जैसे अभी मेरे पास 2-6 हाथ में है, नीचे 3-5 किंग है, तो मेरे आप जीतने के चांसेस डायरेक्ट कुछ नहीं है. बस कोई डायरेक्ट पेयर नहीं आया मेरे हाथ में, डायरेक्ट किंग नहीं आया मेरे हाथ में, डायरेक्ट फाइव या थ्री नहीं आया मेरे हाथ में. अगर डायरेक्ट किंग फाइव आता तो क्या ही बात होती, या मेरे हाथ में डायरेक्ट किंग किंग आता तो थ्री ऑफ अ काइंड यही हो गया. तो अब मेरे जो आउट्स है, जो मेरे ओनली वे आई कैन विन दिस, इसके अगले अब फॉर एग्जाम्पल दो पत्ते भी डायमंड आ जाए तो मेरे पास 5 डायमंड हो गए, फ्लश हो गया. या तो अभी मेरे पास 2-6 है तो 2-3-4 आ जाए तो 2-3-4-5-6 हो जाए, स्ट्रेट हो जाए. या तो अगले दो पत्ते 6 आ जाए या तो अगले पत्ते दोनों 2 आ जाए. सो देयर इज अ नो, दिस इज नॉट एन एडवांस्ड कांसेप्ट, दिस इज अ इंटरमीडिएट कांसेप्ट जिसके मैं आई वोंट गो इन डेप्थ नाउ बिकॉज़ देयर आर बेटर सोर्सेज टू लर्न इट एंड देयर इज अ बेटर टाइम टू टीच इट. बट पॉट ऑर्डर्स करके बेसिकली, सो दैट विल टेल यू हाउ मच यू शुड एक्चुअली कॉल हियर बिकॉज़ यू हैव 2 or 3 डिफरेंट आउट्स. वंस द 2 कार्ड्स आर आउट, यू हैव यू इफ यू गेट अ what you get like a 4 you have an out, right? But then you don't have a out, you don't have a two way straight draw, you have a inside draw. You need a 4. What is an inside and two way straight draw? Two way means ki tere paas agar yahan pe 4 rehta to it would be two way ki 3-4-5-6 to 7 bhi chalega to 3 bhi chalega. But because you need one specific card rather than two outs from either way, it's not as good. Theek hai. And also I have to also consider that I am the second to act because now rider has the dealer button. He will permanently be the last to act in every round. तो आप पहले फ्लीट डालेगा फिर मैं डालूंगा फिर मेरे आगे और 3 लोग हैं. तो कायदे से मुझे यहाँ पे चेक ही करना चाहिए क्योंकि इस हाथ के साथ मैं चाहता हूँ कितना कम पैसा मैं दूं अगला पत्ता देखने के लिए. एंड व्हाट यू हैव हियर बेसिकली इज समथिंग लाइक अ गट शॉट बेसिकली जिसमें देखो एक और पत्ते से यू गेट योर हैंड एंड यू हैव अ बैकडोर फ्लश ड्रॉ व्हिच मींस कि यू नीड 2 मोर कार्ड्स. विद बैकडोर यू नीड 2 मोर कार्ड्स स्पेसिफिकली टू फॉलो योर वे टू गेट दैट. वेल इफ यू लुक एट दैट यू हैव अ बैकडोर स्ट्रेट फ्लश ड्रॉ आल्सो. So every time I see na ki royal flush ka crazy order, poker star always super shares 500 rupees saying the exact odds. So royal flush ke bahut hi crazy draw odds rehte. One out of a million or something, right? Just waiting for us. Aayega kya poker stars? Acha. I think thoda late ho gaya. Anyways, continue. So yahan pe you have couple of outs basically. You think I can play this? I think 500 you can bet here because you already dal chuka. Still it's not a good position, but तो 3 पत्ते खुलते हैं. उसके बाद एक खुलता है वापस सेम डालने पे, फिर सब लोग सेम पैसा डालते हैं तो एक खुलता है तो 5 खुलते हैं और फिर सब लोग पैसा डालते हैं. इतने कितने 1-2-3-4-5 बार बैटिंग होती है. फर्स्ट वन इज प्री फ्लॉप, एक बार बैटिंग होती है प्री फ्लॉप, फ्लॉप टर्न रिवर चार बार होती है. ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मैं सस्ते में मैंने पत्ते खोल दिए तो मेरे को मिल गया मेरा स्ट्रेट जो कि चांस बहुत कम था. Correct. पर आई एम अ लकी बॉय. आई हैव टू जस्ट क्लेरिफाई समथिंग बिकॉज़ दिस कम्स अप एवरी स्ट्रीम.
Do you count cards? Counting cards is not a poker term, it's a blackjack term. There's no concept of counting cards in poker. ठीक है? तो आप फ्लीट ने डाले 500. तो अब मैं अपने दिमाग में समझ गया हूँ कि भाई फ्लीट के पास कुछ क्रेजी क्रेजी तो नहीं है. श्योर. या आपके फ्लीट इज नॉट गोना स्लो प्ले. Yeah, again, like when there are people like, now I think even Tanmay will play that way. It's me, Tanmay or Vaibhav now who will want to misrepresent their hand. Then you can also be a little worried ki bhai flush bhi ho sakta hai. Haan. Yeh toh flush draw toh ho hi sakta hai, matlab, agar teen hai toh table pe. So you bet, this is actually the right amount to bet. Ab mainne 2000, ab wahan toh chute ki tarah dala mainne. Par agar main ab dalta, ab bhi main 2000 dalta. But mera aim yeh hota, ki abhi jiske haath mein bhi ek spade hai. Yeah. Ek... वो फोल्ड कर दे जिसके बाद भी स्पेड है जिसके बाद भी सात है समझ रहा है इफ यू हैव अ सेवन बाय बाय ग्लीफ बिकॉज़ इफ यू हिट अ सिक्स यू आर बाय देन यू आर यू हैव अ लोअर स्ट्रेट या सो यू दिस इज द राइट वे टू बेट बिकॉज़ यू वांट टू किक अ कपल ऑफ गाइस आउट एनीवन हु कॉल्स नाउ यू कैन बी फेयरली कॉन्फिडेंट कि दे हैव अ फ्लश ड्रॉ एट लीस्ट एट द वर्स्ट दे हैव अ फ्लश ड्रॉ माय वर्स्ट फियर इज कि अब सब लोग कॉल करेंगे और वहां पे आएगा और एक स्पेड करेक्ट दैट्स व्हाई यू वांट देम आउट ऑफ द गेम There will be some crazy, crazy people who might even raise her with the king. But wo abhi matlab, that you will get an understanding of after playing 20-25 hands with those people on the table. Ab jaise Sejal ne call kiya. Sejal bahut aggressive calls kar rahi thi. To fold hi karega na. I'm pretty sure I also had a straight here, ace 2 or something. So for me, this was good value to call. Jaise jaise log call kar rahe, utni meri gaan phat rahi idhar. Yeah. These are the worst hands you can get actually. A great hand means one of the better hands. It's 2-7 is actually preferable to something like this. If you have flush, at least you don't lose money on 2-7. Yeah, you lose the most money when you also have a good hand, they also have a good hand. Yeah. This is good, this is a great card for you. Haan, ab 10 aaya, to wo bhi chidi ka. Toh I'm like, abhi spade jiske paas bhi the bhai, wo chud gaya. Unless, koi hero hai, do spade leke baitha hai. So this is what you have to calculate. This is what like makes you a good player. In... The time he takes to bet and your turn comes, you have to calculate ki with this table what are the possible hands people could have. Full house is not possible here. I know for ki jitna tune time liya bet karne ke liye, tere paas do spade to nahi the. Yeah. Theek hai. Sejal ke paas is what I was thinking. I was not thinking. Now I'm thinking if this was what I had, that she probably has a two spades. He calls 5-6,000 rupees, most likely you should fold. He checked. You should raise here. Correct. But if you check, now it looks like weakness. Someone with a bad hand might try to bluff you and then you're stuck. Keep flush in here. Yeah. You should bet. And if I lose to flush here, I'm like, I couldn't do it. This is how I was supposed to play. The only time you should check here is if you have the nuts. If you have the best possible hand, you should check here because koi na koi tha raise karega, then you can re-raise them. वो कभी होता है कि वो बैकफायर होता है सब चेक करता है लोड करता है अरे बट वो यूजुअली नहीं होता हां पता है मुझे बट इट वर्क्स आल्सो व्हेन इट वर्क्स बट एज यू नीड अ रेंज इन योर गेम ना इफ यू ओनली प्ले वन वे देन पीपल विल नो यू आर प्लेइंग दैट वे तो कभी-कभी यू हैव टू डेलिबरेटली स्क्रू अप आई एम नॉट स्क्रू अप बट प्ले इन अ वे व्हिच यू वुडंट नॉर्मली जस्ट सो दे नो कि यू कैन रिप्रेजेंट मिसरिप्रेजेंट इज डिफरेंट मिसरिप्रेजेंट इज बेसिकली इफ यू हैव नथिंग हियर एंड यू आर प्रिटेंडिंग लाइक यू हैव अ फ्लश नो बट इफ आई हैव द नट्स एंड आई एम प्रिटेंडिंग आई हैव नथिंग हां दैट या फेयर तो तू फोल्ड किया आई हैव 2-6 स्ट्रेट Sejal probably had like yeah, what? I probably had H2, I'm telling you. I thought you had a flush. So it was a good hand. Yeah. This was well played. Abhi dekhenge tune agar idhar tu agar call ya raise kar raha hai, and then we'll move on to a good streak. By the way, you didn't even really like the streamers wala stream, you played well until you started to tilt. You didn't even play badly. You just tilted after a point of time. You folded? I fold karna aata hai tujhe bhi. मुझे भी आता है फोल्ड हाथ लॉन्ड्री नाइस ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू गुड स्ट्रीम बाय प्लीज एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन आउट्स एंड फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी इन डेप्थ हो गया भाई एक बार मैंने पूछा तो है भाई थोड़ा ओके आराम से करेगा तो द द The crux of it is this, ठीक है? हक दिया पहले क्रक्स यूज कर दिया चुत गया मैं तो okay. लौड़े लग गए क्रक्स क्या होता है मेन पॉइंट ये है कि इफ यू आर गोइंग टू बेट एंड यू आर बेटिंग ओनली बिकॉज यू हैव आउट्स टू विन एंड यू डोंट एक्चुअली हैव अ गुड हैंड नाउ यू हैव टू बेट बेस्ड ऑन व्हाट इज अ रिटर्न फ्रॉम द पॉट इफ यू विन तो अगर तेरा चांस ऑफ लाइक यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस ठीक है आई हैव सिक्स कार्ड्स
out of the 40 cards in the deck which can actually get me a win here. Otherwise, I'm bluffing basically on the river. Okay? So, what is that chance? 6 by 40, jo bhi number aayega, that you have to calculate versus the amount of money you're putting in to the money you could win if you win. And if this is not as good as this, you don't do it. Not as good as, matlab, how do you measure it? No, like, of course. Yahan pe 6 by 40 hai. Yeah. Ki 6 patte out of 40 patte. Yeah. I am winning. So it's like this. If you have a one... Ek example leke dete. Yeah. Mere haath mein hai queen. Main aur simple kata tereko, theek hai? If you calculate that you have a 1 out of 3 chance of winning. Theek hai? But you're only getting 50% of what you put in because the bet is so high, then you don't bet. Oh, nice. It's that simple. It's maths. Wow. Then you leave it up to maths. Then if you lose also, now at least you didn't play badly. Maths fucked me then. Yeah. Then it's like you played the odds, you got a bad beat, bro, it's cool. Probability, mein, pata hai, literally, main bachpan mein fail bhi hua tha maths mein. By probability, bahut. Probability is a very, very important concept in poker. Like, you don't even have to, like, I am good with it because I got screwed in maths once the letters started coming in. The numbers, letters ho gaye na, A, B, X, Y, tab meri fad gayi maths mein. But basic calculations mein se theek thaak ho jaate. So, that way, but yeah, basically, and there are, again, I don't think, I wouldn't say I'm qualified to fully explain this to you. So, there are much better ways you can learn what the specifics of pot are. I know, I've streamed with Karan. Thanks, bhai. Thank you. Unfortunately, Vivek. Okay, कहाँ जाना है? तू बता. देख ये वाला कट. This is the one you want. I'm thinking joke मारू फिर तू मारे या तो फिर कुछ नहीं बोल. क्या करूँ मैं? Okay, here. इधर हंस रही है चैट ज़्यादा सालो. Okay. 5-7 and I am the big blind. Everyone has folded. Baba Sehgal only. Achha, this is to abhi shuru hi ho raha hai na. So this game na, one thing I want to commend you for is you played half of the game, I would say, with really bad hands, subpar hands, but you never tilted and ended up losing more chips than you needed to lose. Which is why you were in position to actually capitalize on good hands. Which you started getting later. Main fir chart ke saath baat karne laga. Basically, hota kya hai? When I'm playing alone, when I'm playing on my PC, एक तो मैं दो board खेलता हूँ फिर poker star पे क्योंकि एक board पे eventually fold ही कर रहा रहता हूँ other time और दूसरे पे what you do that I don't fold on one board I'm saying most of the hands are folding so you are one by playing two boards you get more chances of playing a good hand you don't do that no I don't think I'm that good मेरे को barely एक पे focus करना होता I'm fine Achha. Folding I'll pay attention and think तो उसमें क्या होता है जब मैं अगर एक बोर्ड खेल रहा होता हूँ ना तो बहुत बोर होता है एक पॉइंट के बाद बेंचों में होता है चलो खेलते हैं अभी तो टू अवॉइड दैट ऑन स्ट्रीम व्हाट आई डू इज आई नाउ टॉक टू चैट आई चिल विद देम तो मैं फोल्ड भी कर रहा हूँ तो बोर नहीं हो रहा मैं लोगों के कमेंट कर रहा हूँ कुछ गाना मार रहा हूँ भाई मैंने कैंडल के बारे में क्या यू प्ले वेल व्हेनेवर यू आर एक्सप्लेनिंग द गेम टू योर चैट बिकॉज़ देन यू आर फोर्स टू प्ले इट या यू आर फोर्स टू डू इट पर कभी कभी मन लगता है एंचो करो कॉल सब बेंचो या तो 30,000 रुपए दैट्स द वर्स्ट थिंग लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डू दिस ठीक है लाइक आई हैव डन इट वंस आई हैव डन दिस वंस की I shouldn't call here, but I know exactly what his hand is, and I can't show you his hand unless I call. And I had him on pocket jacks, like on one of my streams. So I called just to show the chat ki, you know, he's betting. Main literally flop se bol raha ki bande ka haath hai. See, he's betting like this. Now he's going to bet this. He bet exactly the same way. I end up losing real money, but I actually got to show the chat ki, see, he had pocket jacks. Bro, you and I should do one heads up. Karte na? With real money, yeah. With real money. Cool, chalega. Anyways, I need to like. Get a new tire from my bike. Done, bhai. तो अपन लगाते हैं. Done. घर का ये पैसा कहाँ आ रहा है? घर के पैसे से याद आया मैंने तेरे वॉलेट से 4,000 रुपए लिया. अच्छा. Chicken, we can groceries. Okay, बोले. Bill लाये? मैं लेके आता हूँ सुबह लेके आता हूँ. GST के साथ ले. अच्छा 5-7 अच्छा फ्री में मिल गया तो मेरे को हाँ वो कभी भी अच्छा होता है बिग ब्लाइंड पोकर पैसा मिला रहे यहाँ पे अब मैंने कायदे से फोल्ड किया हुआ क्योंकि कुछ भी नहीं 3-7 ऑफ सूट देयर इज नो चांस एंड तू मोड में जा रहा है जीतने का लाइक यू वांटेड टू विन दिस वन आई वांट टू प्ले गुड यार मैंने कहा मां की चूत जो भी जाट को बोर होगा भाई
क्योंकि चैट को मेरे को लगता है कभी एक्साइटिंग ऐसा हुआ नहीं कभी ऐसा हुआ थोड़ा लोग कह रहे थे फट्टू पोकर ये क्या फोल्ड क्या कर रहा है तुम लोग क्या पता है मैं वो बात ले गया कि आई नो मोर देन यू सो लाइक फक इट दैट्स हाउ यू आर इन रियल लाइफ आल्सो बाय द वे तू को जैसे नया नहीं निकाला पर्सनालिटी पोकर स्ट्रीम के लिए ये फॉरवर्ड कर लेते हैं अपन स्पीड भी बढ़ा देते हैं 2x कर देना वरना बाबा सेगल जी अच्छा म्यूट पे क्या तो अब मैं बिग ब्लाइंड हूँ एंड एवरीवन्स कॉलिंग ठीक है डूड डिड सौरभ्स कंप्यूटर जस्ट वैनिश ओ नो समथिंग एल्स हैपेंड लैपटॉप गायब हो गया इधर से ओके कॉल तो यहाँ पे या आई वांट टू रेस सो दैट जिसके हाथ में भी बहनचोद 6-7 है लौड़ा का कार्ड है 8-9 है वो फोल्ड करेगा कि वो फिर वो वहां फ्लॉप पे बहनचोद 8-9 आ गया मैं चुक गया द ब्यूटी ऑफ दिस नाइस कि यू गेट पीपल हु आर वेटिंग फॉर अ फ्लश और अ स्ट्रेट टू फक ऑफ बट एट द सेम टाइम पीपल विद अ किंग क्वीन आर गोइंग टू स्टे इन द गेम एंड उनको लूटेगा उनको लूटूंगा मैं करेक्ट दैट्स द वे यू वांट टू बट आई डोंट नो व्हाई आई कॉल्ड हियर या यू शुड हैव रेज्ड हियर देखना आप जिसके हाथ में है स्ट्रेट I'll tell you why this is not a great flop for you because they jiske paas pair of 4 pair of 5 pair of 3s hai they are not going to bet too much so you can't take too much money out of them anyone who has 2 4s now you're screwed so wahan pe tera kuch nahi hai yahan pe straight draw aa chuka hai up and down now it is this is not good it's still decent because you're now kicking out people who might actually end up see anyone calls you here now then dekhe dekh le 14 patta anyone who folds here means they were waiting for a straight draw straight everyone calls Yeah, because look at the amount to the value of this. Now, abhi yahan pe flush aa gaya. This is why you go 6,000 when you have pocket aces sometimes. Especially when you are in this position. When you are on the button, na, theek hai, alag baat hai. Ab crazy, crazy raise kar raha hai, jab bande ka flush hai. And this is a hand, like if you fold your hand, main gale laga dunga. Do you call, of course. अब भैया मैंने कैलकुलेट नहीं किया होगा उसके पास फ्लश है अरे थ्री ऑफ अ काइंड जैक्स भाई हाउ डू यू कैलकुलेट दिस मैन या यू डोंट यू कैलकुलेट अ फ्लश बट व्हिच इज द सेम थिंग एनीवेज इन दिस सिचुएशन लाइक यू कुड हैव फोल्डेड फॉर अ फ्लश एंड एंडेड अप हैविंग थ्री ऑफ अ काइंड्स ठीक है बट एनीवन वुड हैव हैड अ फ्लश देयर व्हिच इज व्हाई लाइक आई सेड व्हेन यू आर ऑफ पोजीशन यू गॉट टू किक आउट प्लेयर्स लाइक दैट And I feel it a lot of times, but sometimes I kind of like, because I play very like, bheegi bheegi khelta hu main. Which is like, if it's good enough to call, it's good enough to raise. You know what I mean? Like, you have to, that's what I have to think about. If you are, if it's good enough to call, especially when you're out of position, it's good enough to raise. Can you explain a little more? Dekh. So, 2000 tune bet kiya, theek hai? Everyone else puts 2000, this guy puts 4000. If you put 2000 in and you were confident, is 4000 really enough for you to, is another 2000 more really enough for you to go out? If you're small blind and you don't want to put an extra 1000, it's because there are 1000 force. But if you are confident enough to put a 2000 in on the hand in the first place, then more often than not, you should be good enough to put 2000 more. Okay. Usually that's what the thing is. If pre-flop. It's good enough, pre-flop and flop. If it's good enough to call, it's good enough to raise. Okay. That's actually a nice one. How to deal ego betting on the turn? Yeah, this is, well, ideally you don't have an ego when you're playing. Just play very practically. That online, especially online, because if you do something like,
ऑनलाइन क्या होगा, चैट इग्नोर कर, चैट मत देख किसी का, ठीक है? एक बंदे ने पूछा, या दस मिनट लिंक, डोंट लुक एट द चैट and don't like don't react to people throwing horseshoes and crying emojis. जैसे मैं I'm sure aces pocket aces हारने के बाद मैं देखा ही नहीं chat, क्या वाला लौड़े लगे होंगे वहाँ. फिर अगला round में जा रहा all in. Then just play practically. Oh, yeah, and now I'm like चलो भाई पिछला जो चुदा है भगवान ने एक और मौका दिया है. Again this is where now तो you are like you're the first to play right. Okay this I would say for me the right bet is around 6 or 8,000 because agar like you lose you have two pair here. You lose 6,000 you have to play odds again. You lose 6,000 because one has a flush. ठीक है यार मतलब तू क्या ही करेगा. But what you don't want is a fourth club coming here. You don't want anyone to see a fourth club here for free. You have to bet here. You checked. चल you call this. Now if you checked you might as well call up yaar, see I told you na this is why obviously kisi ke paas to dekh hai club to hai 1 in 4 chance of club hota hai to 1 in 4 to char log to idhar hi hai it I would say a little less than 1 in 4 because bahut sare already bahar aaoge so it would be closer like 1 in 4.75 or something you have to calculate like but still like ek intuition hota hai na ki hai to hai kisi ke paas club to hai I'm sure he is a good fold man great fold see ha What tough to very tough to from fold from this, huh? Now it's about who has a better club between these two. Probably. अबे अगर तू क्या करता है यहाँ पे एक कादा छोड़ दे. नहीं, but now I've become okay with that. Yeah, like, yeah, you have to. क्या ही कर सकते हैं? You have to be okay. It's like when you sell a stock and it goes up even further later. Like, ठीक है यार हो गया. At least you don't remind to be happy. Don't remind me of Ethereum. Man. It's a stock. ये देख भाई. दो लेके रहा है वो तो इधर स्लो बैट किया ही लिम्प्ड हियर यू अंडरस्टैंड लाइक यहां पे ही लिम्प लुक एट व्हाट ही बैट हियर मैन डू यू गाइस लिसन टू द वीकेंड बाय आई लव मतलब आई नो इट्स अ वेरी मेनस्ट्रीम सॉन्ग एंड इट्स नॉट दैट कूल टू लिसन मेनस्ट्रीम बट आई लव ब्लाइंडिंग लाइट्स तू सुनता वीकेंड ओके वन सेकंड अगेन यू जस्ट हैव टू सी तन्मय बट ब्यूटीफुली ही प्लेड दिस हैंड उसका इधर ही फ्लश बन गया था हां भाई एंड ही हैड लाइक क्वीन है सो 99% ऑफ टाइम हियर नाउ योर इंस्टिंक्ट टेस्ट टू लाइक दिस इज कॉल्ड वैल्यू बेटिंग वैल्यू बेटिंग मींस लिंपिंग उसने मतलब क्या ही गॉट सौरभ पॉइंट टू रेस नाउ व्हाट यू कैन आल्सो डू हियर इज री रेस बाय द वे बट ही कॉल्ड व्हिच इज कूल बिकॉज़ ही न्यू कि अगर एक और क्लब आ गया यहां पे द प्रॉब्लम देन इज कि व्हाट इफ समवन हैज किंग ऑफ क्लब्स बट यू कांट लाइक वन कार्ड के डर में यू कांट नॉट बेट बिकॉज़ चांसेस आर यू प्रोबब्ली हैव द बेटर हैंड समझा ये देख भाई क्या ही उसने ही गॉट सीडिंग सौरभ पॉइंट टू रेज मैन सौरभ रेज री रेज क्या या नो ही गॉट या ही रेज ही पुट 6 कॉल्स ही कॉल्स ही पुट 12 ही पुट 18 एंड देन ही गॉट सौरभ टू कॉल दैट सी चेक्स हियर ना आई गोना टच हिज फीट Oof, what a sick hand, man. Up 4-6, I'm the dealer button. I don't know, I would probably call 2,000, maybe. Yeah, 2,000 on the button, you can call this. Oh, 4-5-6, I have two-way straight now. Two-way straight. 7 bhi aaya toh main achha hoon. Yeah. Aur 3 bhi aaya toh main achha hoon. Yes. Aur do chidi ke patte bhi aaya toh main achha hoon. Yes. Aur upar se 6 ka pair bhi hai. Again, this is a gutshot straight draw with a backdoor flush. So I can call. 3-4-5-6 aa gaya. Aa gaya, tere ko straight aa gaya. 3-4-5-6. No, no. No, no, one second. You have a backdoor straight and flush draw. Because you have a pair of 6s and 4-5-6. So you need, you have only 3 cards needed for a straight. You don't have 4. I know it thoda on initial glance. Now you have a 3. Now you have a 2. Ace 2, 3-4-5. Yeah, but 6 hai na, why would you want ace 2, 3, 4, 5? It's pointless when there's a 6. Okay.
Now you have a straight draw, like a proper straight draw two ways. Backdoor flush means you need two cards for it, basically. What is the maximum I would call here? He put what, 2000? Wait, let's see. No, okay, fold. Now you're on the button. Yeah, but yeah, bolna tough hai yahan pe, because like I don't remember how Honzish was playing, but you could probably with this, with the, so because you have the second highest pair also. And there's no possibility right now of a flush. Straight possible hai, with a 2-4, or like in this case a 4-7. Yeah. Right? But you could probably go 6,000, 6,000-7,000 to kick out any other people who are waiting for a straight. That's my ceiling. Yeah, I wouldn't go 20k because if someone has a straight, they'll just call you. Then you're in trouble. Ab dekhte hain, two pair. I would just call this, yeah. What did he have? He had a flush. Because there's a diamond hai na. Acha. Another thing, and good thing you would call this, because if you raise this now, look at this. If you raise this now, then girl, which basically, let's just show this guy's hand. He wasn't even limping, by the way, because he had an ace. He wasn't even bluffing. Entire time he has an ace, pair of aces, and on the river he makes a flush. So throughout he's always had a good hand. But only his ace wouldn't beat me. So the time to kick him out would have been here. When he thought he would have had a straight. But he didn't get out. Haan, wo draw lose khel raha tha, correct. और मैं क्या करूँ रिवर का क्या करूँ रिवर तो अब बहन चोद आ जाती है कहीं से भी रिवर इज द ओनली एलिमेंट ऑफ लक आई थिंक इन पोकर नो इट्स आल्सो प्री फ्लॉप रेजिंग आल्सो देयर इज एलिमेंट हां बिकॉज़ लाइक इट्स लाइक देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू आर प्री फ्लॉप एंड यू गो ऑल इन विद पॉकेट एसेस व्हिच इज समथिंग यू ऑलवेज गो ऑल इन इफ समवन गोस ऑल इन विद 9 10 डायमंड्स एंड यू गो ऑल इन विद टू एसेस यू आर सपोज्ड टू कॉल दैट यू आर सपोज्ड टू कॉल एनी ऑल इन इफ यू हैव टू एसेस प्री फ्लॉप यू गो ऑल इन द अदर गाय इज 9 10 सूटेड आ गया फ्लश So even there is the most element, but even there you have to play the odds. Okay, with ace, you are basically playing the mathematics. Yeah. If you are going into shit because of ace, pre-flop ace pair, then someone else in the universe who has pre-flop is winning. So that's the, those guys are always more than you. That is also the skill of poker, which is being able to play the next hand and forget the previous one. Unless you've gone all in which you have to forget. आप देखो वीडियो है हां भाई ऐसा बहुत बार हुआ है फुल फोल्ड कर दिया है और फिर क्रेजी आता है ओके बट आई एम नॉट फाइंड अ गुड वन ठीक है लेट्स गो हियर लास्ट कपल ऑफ हैंड्स देखे क्या नींद आ रही है या लेट्स डू दैट बट लास्ट यू डिडंट विन इन द लास्ट कपल ऑफ हैंड्स यू वन समवेयर नियर द मिडिल सो आई डोंट गो टू दैट हैंड व्हिच बिकॉज़ जस्ट वन हैंड आई रिमेंबर यू ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सो फार इट्स ओनली बीन मी लुकिंग एट माय हैंड एंड बीइंग लाइक व्हाट द फक डिड आई प्ले Does it happen to you? Bro, I came here to like admire your poker. And the only thing we admired is Tanmay Kao wala. तू लौड़े सारे गंदे हाथ दिखाए मेरे चो भाई वो तो मैं तो रैंडमली खोला है भाई स्ट्रीम व्हाट इज दैट से ओके आल्सो व्हाट आई फील लाइक इन दीस स्ट्रीम्स एंड इन दिस इज माय रीड ऑन इट ठीक है व्हेन आई एम प्लेइंग दिस ना आई एम प्लेइंग आई वांट टू बी हैप्पी विद हाउ आई प्लेड फॉर मी दैट मींस लीविंग विद मोर चिप्स देन आई केम इन बिकॉज दिस इज अ हाउस गेम दिस इज नॉट एलिमिनेशन यू आर नॉट गेटिंग नॉक्ड आउट राइट यू आर एवरीवन यू कैन बाय बैक एनी एवो प्रॉस फॉर प्रॉफिट वेव अरे थैंक्स मैन थैंक यू आदित्य थैंक यू भाई सो The way you should play is ki if I leave with even 1.5 times the amount of chips I came in with, I played very well. Because you can't control, tu agar folded hai, and yaha pe do log time pass mein all in ja rahe, you can't control if someone gets a cheap deal on you, man. Wo bahut beat ho jati hai, bhai. Yeah, you can't control it. So that's why, and ultimately look at it this way. End mein charity pe jana paisa. Haan, wo to sahi hai, par wo ek competitiveness rehta hai na, bhai. That'll, so tabhi knockout hoga. In a knockout tournament, I'm not saying ki there's no element of chance, but there's a lot less when the chips are out. Organize karte hain knockout tournament committee. Karenge. Crazy rahega. But that's what I'm telling you. So I think for me also, that last streamer, Suhani played second best throughout the stream. And then in the end, she got Munawar to put in so much money that she got the lead narrowly. But I still think for the most part, you are the best player of that stream. Yeah, that's what it hurts the most. Yeah, but even then, if you look at it, it's not like someone who played really bad one. Swan still was the second best player. But you're last, me, then all in, ja rahe ho, wo haath ke saath, and then. But what else do you do? You can't control it. If you're second, I would have done the same exactly. thing. Exactly. I would rather, I would have still a chance of becoming exactly. a second leader. Such is the format. I feel to ek baar jeet gaya na, you won once. Now, even if you come second, third, every stream, na, you played good poker. Yeah. If you come last, it's a problem. You can't, even like having seen all of these games now, you know ki no matter how many bad beats you get, you can't come last. You have to play really badly to come last here. Yeah. Theek hai? And would you ever fold suited cards or 4 and 6?
It again, it depends where I'm playing, who I'm pre-flop playing against, what position, and how much they've raised. Yeah, बहुत सारे vague question. Yeah, this is a very vague question, and मेरे को कुछ answer नहीं देने का इसको because it sends the wrong message. बहुत बार ऐसे हुआ है मैं कुछ बोला and then some semi pro has always or pro has told me कि no this is the way you should play. That's why you ignore current messages. No, I said semi pro or pro. So anyways, let's play. He did a nice, but on all seriousness, he did a very nice charity stream. Charity stream, yeah. Yeah. For the other players on the table. Nine, ten, small blind. Karo skip aage flop tak. Yeah, let's do it. Let's make it 2x na. Haan. Please tell me you didn't raise here. Of course I didn't raise here, bro. Yeah. Okay, pair 10 pair, pretty good. Pause hai usli ke. Okay, checks. By the way, not always kind of worth betting here. Because you don't have the best hand, but you have a good enough hand where you kick out probably, any unnecessary person with the king queen. Probably bet here, no? You checked. Here I checked. Yeah. Oh, I just did. Yeah, then I'll make sure. I'll call. And now I'm happy. But I think I probably bet 4k here. Yeah, but 7-8. And the thing is, the pot isn't... That's the other thing, right? The pot isn't so big that someone with a 7-8 would fold. Especially with the kind of players you have here. Now, you can never say ki yahan pe kya 7-8 nahi hai. If I'm playing a super tight board, meko ye dekh ke samajh jayega 7-8 hai hi nahi kisi ke paas. So anyone who's playing here is bluffing or has at best any pair of aces. And if they end up having 3 of a kind aces, then TK. Then that is something you can't have anticipated. 4 I like to see them folds. I think Baba is the only one who calls me here. This is good for you. And I think I loot him with another 8 this or 10. This is great for you. This is probably one of the best cards. Actually, 9 or 10, this is the best card you could have gotten. But kya hai ye? Kuch nahi hai. There's no straight period. Nothing except for 6, for 7 or 8. Like, this doesn't open any new possibilities for you. So, jo bhi idhar tha, that's the same equation with the board. Unless someone was sitting with an ace and 3, which is like... Which is not Baba. Yeah. Called you muck. Great one. Okay, button. Ace 5. Pretty good hand. But decent on the button. I'll still great. Call. But from today's conversation, I'll raise it from next time. Yahan pe kya? Yeah, here. No, you can probably still call this, I think. Can I? You can still kind of call this because it's not necessarily the best hand. A king, queen suited is better than this. Yeah. You have pocket aces, you raise it. If you have a great hand, this is not okay. A great hand. Like if you have an insane hand, like king, king, queen, queen, king, you queen. You raise. King, okay. Queen suited, raise. Okay. King, queen offsuit? Call. Depends on how other people are playing. How can no one have 7-8? It's a limp pot. It's a stupid expression. No, I'm saying it. People could have 7-8. अबे गांड मरा है लाल लाल. पढ़ा नहीं क्या? I literally said ना कि 7-8 हो सकता है. गांड मरा है लाल लाल भाई. अरे ऐसा नहीं है. But I'm just saying कि that's what I said कि with यहाँ पे. अबे वो क्यों? The pot is so small कि someone could have 7-8. Like there's a way of saying he's trying to fucking beat here like all that old stupid expression like taking the high ground. माँ की चूत लाल लाल की. अगर किसी 100k रहता, so I would have. Probably not put them on a 7-8 if the pot was 100k because who's going to bet that much pre-flop? But with a 9k pot, which is what it was, I think 7-8 very possible. Ace 5. I'm still having just the top pair. I think but I can this call is good. This is call or raise. Raise because you don't want someone to have a king 10 and then a jack to come. Folds. टॉप पेयर बोलते ना इसको जो हाथ में मेरे या आई स्टिल हैव द टॉप पेयर द वर्स्ट थिंग दिस कार्ड डज फॉर यू इज कि समवन कुड हैव अ फ्लश ड्रॉ सो यू आर फाइन विद दिस 2000 मोर डू यू थिंक इट्स फाइन आई थिंक यू शुड प्रोबब्ली गो लाइक 6000 अगेन किसी के पास दो क्लब्स हैं बट दे विल फोल्ड नो देन 6000 वाले या यू वांट दैट बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग ऑन द रिवर तू एक और चीज समझ ले कि बेटर टू हैव 20000 दैट्स हियर रादर देन 40000 हाइपोथेटिकली दैट कुड कम एंड देन यू एंड अप लूजिंग ये नहीं हुआ मेरे से ये तो मैं बहुत बार देखा है कि यू हैव द बेस्ट कार्ड बाय द फ्लॉप और द टर्न बट यू एंड अप ट्राइंग टू वैल्यू बेटर द रिवर एंड देन लूज दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि दिस 20000 इज मच बेटर देन
a hypothetical 40,000 which could end up going to someone else. Yeah. Ayush Nagar, samay cycling ka kya ho? Cycling shuru ho gayi bhai. Kal subah I actually got a nice cycle. And if there are any cyclists in Pune, please hit me up on Instagram, especially near Bane region, because akele yes. cycle karne mein bore hota hai. Ye bhai ke paas bike hai, cycle pe utarne nahi wala wapas. Unless I take away his pagar, but I need some cycling friends. Or the bike. Or the laptop. Guys, thank you today's stream. Ye dekh, see what I said? Ki, I literally said that, ki King 10 or Jack aa sakta hai. I don't think Saurav has that though. He'll fold here. It's a good bet. It's a decent sized bet. Yeah. Oh, Ace King offsuit. Yeah. Now that's. Everyone calls now. This is very raisable. Everyone calls. The thing is now, so this is what you have to understand. Okay? If you are playing, if you have. By a huge fan, I released a track, Gila by Tunar. It will be possible for you to listen once. Maybe we can end it on the stream. Yeah, we'll end it with the stream. Yeah. So, now, very quickly, so there are two types of betting, and this is what I observed. Okay? If you want to really knock, kick out player of the game, now, then you bet 3, 3.5, 4 times the blinds. That will make players go out. If you want to keep them in the game but increase the size of the pot, then you just make it 4,000. Oh. Because anyone who's going to call 2000 will most likely call 2000. Mera idea yahan pe ye hai ki bhai main chahta nahi hu ki koi fold kare kyunki main likely hu jitne ka ye pot. If that's what your mindset is, then yahan pe you place 4000 if you want people to stay in the game. If you want them out and you only want a couple of people who also might have king queen or something, then you put 6-8,000 and then you just take quietly the money you're getting. Four, see? Yeah. So yahan pe I want the pot to be big. Yeah. For my tummy. Top pair, rainbow, which means like all three different suits. Rainbow matlab all three are different suits. Oh, to flush hone ka chance nahi hai. Abhi to nahi, unless two more cards here. But wo kitna unlikely hai fir? Ah, exactly. So that's rainbow. When the flop is all three different cards, it's rainbow. Wow, I'm actually learning a lot of new concepts here. When all three are the same suit, it's called monotone. Same suit, monotone. Monotone. Yeah, but loud lagne wala. Or what is screen has started to become. Nice. 6,000, good bet? Good bet. Why are they calling? Pocket aces maybe, I don't know. Pocket aces. Now this is a bad, this is not a great card for you. Two spades in hand, someone has. Not just that, straight draw bhi khul gaya. 5, 6, 7, 8, 9. But again, like at this point, I would say the pot is big enough ki if someone plays with 4-6 or 6-10, unless it's suited now, then they're just like, they were bluffing or doing something and then they ended up hitting this. But again, like wohi hai na ki this is a lot of information. Like this is... Ye Tanmay ne fold kar diya yahan pe. Isne itna paisa dala. Pot dekhna kitna hai. I think he had a pair of 9s. Okay. Aditya Kalle pehli. Tip to not... Yeah. Tip to not get mad when you lose is to think of poker like a test match. Every session is an over. Ups and downs are there, but you need to win long term. That's a very good, I think, no? Yeah. Kya lagta hai? Kaun jeeta hai pot? New Zealand. Abhe, ye pot, bhe. Okay, let's see. I think you outbraided everyone. Wait, one second. Let's see the river. Yeah, oh, flush chances. By the way, I'm not going to play like Ace, Jack, Spade or something that he was playing. And he's got a flush. Look. No, man. I got the pot. Yeah, because you had King high. So he had King 9 basically. No, he won. He had 2 pair. this is a bad beat. The bad beat is that you can't see. You can't. Like, again, like, I wouldn't have raised in your position after the third spade unless I was bluffing, because king high once there's a third king pair high once there's a third spade with an ace kicker is not a good hand, and you consider someone could have a flush. Got it. But you shouldn't feel bad if it wasn't a spade you bet and then lost to a draw. Roger gave me many bad beats, you know. Yeah, wait, but like in this hand now, I'll tell you the thing, pe agar three of diamonds rata, then you shouldn't feel bad even because he wasn't playing as if he had a straight. Okay. And at this point, it's, you know what I mean? It's like, even he paid 2000 because he thought you might have a flush. So
So 10,000 gave him good enough value to bet for a king nine. तूने अगर 50,000 डाला ना तो इतना folded. हाँ. So there's that element also. Do you think he has a two pair? I should have shown कि मेरे पास flush. No, I wouldn't play that way. You should have, but I don't have the. Lot of times I don't have the guts to play that way because I'm like, what if he has a flush? Yeah. So that's why मैं ऐसे I don't win big, but I don't lose big very often either. Is playing aggressive in this kind of table good strategy? Meet Doshi in this table. Now, मैं तुम लोगों को players बोलता हूँ, ठीक है? Baba Sehgal will call almost anything. Saurabh Pant usually will call and raise anything. Rohan and Ashish play a little tighter than the other two. But the thing is, these two are so unpredictable now. You can't play too aggressively because they don't know you're playing aggressively. They'll just समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? Genuinely the way I played with Saurabh. मैं तो Baba Sehgal को वही लग रहा कि he'll call anything. Yeah, exactly. So you can't play too aggressively here because of this. But हाँ, if you replace these two with now, for example. Raghav and what's the other Rodi's guy? Rajiv. If you replace them with that, then there is not much difference we can find out. More use. No, but if you replace them like Vaibhav or and me or someone who you know ki is going is likely to play tighter, then you can start playing more aggressively. But otherwise, just thoda bach ke rahe because you don't know what they'll call me. ये टिश्यू पेपर क्यों बजा रहे हैं तन्मय उस पे आई मीन लाइक ओह सैड आई थिंक ही लॉस्ट आई डोंट नो बिकॉज़ ऑफ योर जोक मे बी अबाउट वाचिंग क्वीन 10 व्हाट अ फक ऑल फ्लॉप फॉर मी मैन इट्स हॉरिबल आई विल जस्ट शट अप एंड चेक इट नो यू नो व्हाट एक्चुअली लाइक दिस इज अ वेरी ब्लफेबल थिंग बट डाल दे 4000 क्यों अरे डाल तू बता रहा तेरे को सीधा फोल्ड कर रहा तुमने डिड यू सी हाउ फास्ट बोथ ऑफ देम क्लिक चेक दे हैड पुट चेक और फोल्ड यू पुट 4000 ऑन वन द स्पॉट या But वही है मैंने आगे तीन और लोग दो और लोगों को मैं Yeah, that's the position का thing ना But trust me, you would have, I would have just, this is such a dry board ना कि unless someone has ace five ना or like five six but क्या ही मतलब ah आ गया तेरे को इधर top पे और कुछ नहीं इधर right there's no flush And also now अब ऐसा जो अब देख अब ऐसा history हुआ है कि सबने check किया है सबने check किया तो मेरे को पता है किसी के पास कुछ नहीं है तो मैं अब इतना डालना चाहता हूँ कि सब call करे like 2000 correct I don't want any folds here correct and the second thing is this ठीक है if anyone had a straight and they deliberately check just to throw you off now they would have definitely bet on this jack to make it look like they have a jack or something they would have bet 2000 at least because you can't check this also because the risk is कि what if someone gets something better here I don't know what's possible. Like, यहाँ पे spade है. You don't want to risk letting people get in for free and get a third spade here. Got it. So you can be pretty confident कि किसी पर इधर straight है नहीं. Again, like you know what I mean. But still. And you see a lot of these videos are like pro poker players being destroyed by people who are playing like not just amateur but people who play very like rarely or with friends because they don't know how you don't know how to play them because वो theory के साथ नहीं खेल रहे. So more often than not, they lose. But one of chances is when they win. Na, they win aise hearts because you can't predict it. Yeah. Ek crazy video hai. Miss Finland ne ek pro ko outright bluff kar diya. You won this, right? Yeah. Yeah. Okay, I think abhi thoda sa let's just take it. Yeah, yeah. Bhai stream mein sare title player ke saath quality game khelo. Yes, bhai. I think even lose players is... It's not like quality... Is it? Or how is it? No, I don't think you... I don't think there's anything like... I think they're lose and tight players. Two kinds of players. Yeah, I don't... I would say that this was a good quality poker stream because the best player won. That usually can tell you, you know what I mean? Mm-hmm. Like you played the best and you won this. I wouldn't say this is necessarily bad quality. What is a high quality table according to you? Because the thing is when it's too tight also, then you have to play. Then you have to be the one who's aggressively, like I was playing that day. I actually played a lot. I've never played that loose. I've not played that loose in weeks. Jitna main us din tere Discord log loose khela because everyone was tight. So we can say low quality poker. We can explain. Low quality poker is when you have har card pe banda 50,000 dal raha hai. Low quality poker is ki main aise mere paas app hai main ja raha all in agla hand all in agla hand all in agla hand all in it's damn irritating but when you beat those guys na oh ho ho jo sukoon rehta so I think there it's a very subjective term the game the especially because of the psychological element now I don't think it's as easily for me to objectively explain it as someone can maybe you can objectively explain ki was this a good chess match or not mereko to maza aaya matlab I enjoyed it a lot yeah especially the baba sales bhi bakchodiyan karwa rahe the humko they were singing some songs fun to watch this yeah yeah ye to fold ho gaya main yeah yeah it
ड्राई हैंड क्यों देख रहे हैं 5-9-10 वाला? I play those people every day. I think meme. Let's see this. Okay. I hope you folded this. Of course I folded this. Okay, there are lead ka bana but. 234 hai mere paas yahan pe. Jack 6. Fold. Wow. Kya tight. You would have probably raised this before. No. I wanted to be the chip leader, so I was playing very tight. Yeah. Pocket sixes. Callable. Yeah, called. I just don't want anyone to raise. Beauty, call please. Check. 4,000 you can see. Three of a kind. And the thing is, 4,000 you can call this. Wait, see now. But I still don't want to. Yeah, I want to pay as less money to see the flop. I know. But I would call it. But I would be sad to call it. भाई तेरे को एक चीज बताऊं मैं, डू यू नाउ आई थिंक विद दिस हैंड आई कैन गिव यू अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ इफ इट्स गुड एनफ टू कॉल इट्स गुड एनफ टू रेज. सो यू आर सेइंग आई कुड हैव रेज्ड? नो, आई एम सेइंग कि इफ इन दिस केस कि दिस गाय वुड हैव यू कॉल्ड, ही रेज्ड टू 4000, आई कैन रेज्ड टू 6. You could have probably or at least put 4000 because you knew kitu dal lega, but kina bad, but you would have done it. Nice. Now 20000, like there's a limit to this of course. I'm not saying ki tum all in jao yahan pe, but there is, you have to be a little bit like liberal as well when you're making these kind of plays, because varna tu kabhi flop dekh hi nahi payega re. What is the psychology behind shout outs? I understand if you're an artist and you want people's attention towards your art, but why does one ask by shout out to though when they have nothing to present? Shout out to you, sandpaper napkin. But I think it's like if I was watching somebody that I like, you know, sometimes yeah. You feel like they take your name and then you save it, and it's like when Harry Mack is freestyling. But again, when Harry Mack is freestyling, I do a super chat, so he rhymes those words. I don't know. Maybe it just gives you happiness that your favorite content creator or someone is just taking your name, and then you take a screen recording, and it's just like, correct, man, for $40. Log to bench, but I think shout outs can be taken in a much that way. Say something like this to me, or say something to me. नाम लेने से there is nothing. Like, कभी किसी का बर्थडे होता है तो I'm like, यार ये तो shout out बनता है. Of course, of course. I have seen those apps. Have you seen those apps where they where like a content creator asking like 50,000 rupees for one happy birthday message? अभी थोड़े कम guests आने वाले बाद में. I don't know, man. That one I feel is like very weird. I also know, wait. Some people do it for charity. Cool. You know what I mean? Charity के लिए जा रहे हैं तो money going to a good cause. Great. Otherwise, I agree with you. मेरे को तो weird लगता है. 100%. So yeah. And those guys go after everyone. Na, mujhe aaya request. Main mujhe bhi aaya hai. Tujhe to aayega. Mujhe aaya. Main yahan pe super jab 40 mein main deta hu. Mujhe aaya. Samajh sakta hu mujhe. Ki bhai, you know, like this is our platform. We would love for you to. Aisa aaya mujhe. But fir sabki apni apni majboori hoti hai. No, but I understand people are like, I understand why you get happy. Like I get happy when you say my name on screen. One people for whom I have zero respect. Me. No. Apart from is Insta. इंस्टा रील में भी वो वाले रील्स जो एक बस ट्रेंड है वही फॉलो कर रहे हैं, बस जो ट्रेंड है वही बना रहे. एक होता है रील तुम खुद बनाओ, तुम इंस्पायर करो, करेक्ट, ठीक है, जैसे ऐश्वर्या है खुद के कुछ रील बनाएगी क्रेजी, कुछ अलग करेगी कुछ. 100%. एक होता है वो रील जो तुम एक वो जो तुम बार 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 वही कर रहे हो, बार बार वही कर रहे हो जो चल रहा है. करेक्ट 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 100% अग्री. हाँ, दिखा कौन सा रील दिखाने वाला अभी. वही तो है, समझ रहे हो? इट्स अ पैरोडी ऑन इट, बट इट्स नॉट द ट्रेंड, बट इट्स लीडिंग द ट्रेंड टू गेट द व्यूज, बट इट्स नॉट द ट्रेंड. तो यार तो दो हफ्ते बाद डाला मैं माता था, तूने जब ट्रेंड चला तब डाला. नहीं, ट्रेंड के काफी बार डाला है मैं लौड़े सारे, समझ रहे हो? ओके, सो लेट्स जस्ट प्ले दिस. ये सही याद आ गया. हाँ. And you can't read this, right? I can't. But I know I have the nuts here. Mostly I have the nuts. Unless किसके पास aces है तो फिर loud है लगे मेरे फिर. भाई मेरे पास एक पहले का joke था रे. When I was going, you went on a very like a practical topic after that. But I wanted to say कि I also get happy when you say my name on stream. The problem is after that is usually like भाई अभी भी toilet पे Harpic है. Or some other blue liquid brand, whoever is there. I got that joke out. Now let's continue.
You know, sometimes I think you're funny and then you say something like this. Now I'm like, yaar, ye kya hai? You are like fucking one, ek baat mein to ace so you want to call that real again? Ace six pe to fir bench ho agle mein fold kar raha hai. Yes. 4,000 is great, I great think. Great one. Because you want people in. Yeah. See, this is one where you want people in. If you put 8,000 here, na, because think, na, it's a, see, the thing is, rainbow. Theek hai, all three are different suits. Flush possible nahi hai. Straight draw hai, but I mean, come on, right? Like 3-4 rahega kisi ke paas, theek hai. So most of the time you want people in. Ideally you want, if someone has ace 2, you love them to be in here. Or ace king, right? Ace ke saath high pair leke baithe. King aa gaya to aur bhi better kar le. This is a good card for you. Good card, yeah. Great card, unless someone has pocket queens, wo to samajh jayega betting se. I think main aur 4,000 darwaata hu sabse. 8,000 is good. Yeah. It's a good bet. Bro, when did you guys meet for the first time? We met when this guy used to be relevant and he had some power. When he was the organizer of this Pune Comedy Festival, when there was no one micro organ, one virus has made him fucking lose every respect that he had in the comedy circuit. You know, this guy used to be really respected. Log isse comedians, bade bade comedians aake isse spot mangte the. Bhai, Pune Comedy Festival spot dega kya? Ek virus ne iske laude laga diye. Bhai, itna ek machhar sala aadmi ko aise bhai ekdam big manga bana deta hai bhai. तू आ रहा ना भाई फेस्टिवल में, वैसे जब आऊंगा जब भी 2 साल बाद जब होगा फेस्टिवल तो आऊंगा, डोंट वरी. कुछ अगेन लाइक वो क्या है ये इधर, राइट? नो कुछ नहीं है इधर, नो स्ट्रेट. आई एम एक्चुअली लिटिल बैड विद स्ट्रेट्स समटाइम्स, लाइक आई हैव टू लुक प्रॉपर्ली, बट अगेन देयर नो स्ट्रेट्स. द ओनली हैंड बेटर देन योर्स इज लाइक समवन हैज पॉकेट एसेस क्वींस और नाइंस, देयर नथिंग एल्स, राइट? जब तो हैंड बोलता ना मेरे को बोला जो क्या आता है तेरा. इसका इवेंट है भाई, इसने खुद इवेंट किया है पुणे में, सबसे बड़ा कॉमेडी इवेंट जो भी भाई, क्रेजी इवेंट है, ठीक है? 15,000 जनता टोटल आई है उसमें. जाकिर खान, ठीक है, ऐसे बड़ा एकदम क्रेजी कॉमेडियन, सीनियर लेवल कॉमेडियन जा रहा है स्पॉट करने प्राइम टाइम पे, 8-9 बजे, ठीक है? जनता भरी हुई है, मैदान भरा हुआ है. इससे पहले मतलब लोग, उससे पहले सब आए, ठीक है? कौन कौन क्रेजी क्रेजी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, थिंक ऑफ अ कॉमेडी नेम दे हैव परफॉर्म्ड, एंड नाउ जाकिर इज परफॉर्मिंग लास्ट. बिफोर जाकिर, ऑफ कोर्स, शो का जो ऑर्गेनाइजर है, ही कम्स ऑन स्टेज, हे गाइस आई एम द ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो, ठीक है? तो सब करे गाइस, मेरे पास भी एक जोक है. डोनाल्ड ट्रंप इस हाथ से गांड क्यों नहीं धोता है, ठीक है? साइलेंस है पूरे मैदान में, 7,000 जनता बैठी है, साइलेंस. डोनाल्ड ट्रंप इस हाथ से हाथ क्यों नहीं धोता है, इस हाथ से गांड क्यों नहीं धोता है? क्योंकि ये मेरा हाथ है. और साइलेंस, और वो साइलेंस में ही ओके गाइस, गिव इट अप फॉर ज़ाकिर खान. ऐसा बीट ही दिया भाई, वो वीडियो है मेरे पास, मैं ढूंढने वाला हूँ, डालने वाला हूँ भाई. ओ भाई मजा आ गया भाई. और क्या फायदा है अगर तुम खुद के, मतलब तुम अगर खुद के घर पे नहीं हाँकते तो कहाँ हाँकोगे? इट वाज लाइक टू, कुछ अलग ही था वो देखने के लिए, बताया. वो देख के मेरे को ऐसा हो गया कि मैंने सब देख लिया अभी कॉमेडी में भाई, सिवाय तेरा खुद का वीडियो. नाइस. आई एक्चुअली सी नाउ यू गॉट अ ग्रेट हैंड आउट ऑफ दिस. 60,000 बनाए रे मैं उसमें से, मास्क निकाला तूने. एंड दिस इज दैट्स द थिंग, राइट? दिस इजंट इवन रियली लाइक अ क्रेजी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फ्लश और अ फुल हाउस. यू स्टिल गॉट, क्या वैल्यू निकाला तूने, बिकॉज़ यू गॉट दिस गाय ऑन प्रॉपर्ली. यू बेट इतना ही अमाउंट व्हिच यू न्यू ही वुड कॉल. यू डिडंट बेट टू मच बिकॉज़ यू न्यू ही वुड फोल्ड. यू डिडंट बेट टू लिटिल बिकॉज़ यू कैन मेक मोर मनी. वो है ना गोल्डिलॉक्स का, हां, कि टू बिग टू स्मॉल जस्ट राइट, वैसा था बेट. एंड दैट इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ व्हाट पोकर इज बेटिंग, पोकर बेटिंग इज अबाउट. यू हैव टू फाइंड द राइट अमाउंट टू बेट. भाई क्या ही बीटी लगा पे तूने, अगर ट्विच पे प्लस स्टैंडर्ड डाल दे तो बीटी भाई. आप दोनों, आप जा भाई, आज जाओ दोनों कहीं बातें करते हैं कोई सोशल मीडिया पे, फैन जैसे नहीं, दोस्त जैसे. अरे लौकिक भाई, डिस्कॉर्ड पे आओ यार. तू तेरे दोस्तों को मिल, मैं मेरे दे रहा चैट. इसका वो है भाई 50-50 रूल, एक जो क्रेजी मारता है फिर 10 जो हक देता है भाई. तो 270 पे मैं चिप लीडर हूं ना, आई थिंक यहां से फिर आई डिडंट फॉल. 50-50 रूल तो तेरे है रे, odds of finishing first or last. 2-5 off suit. Oh man, Sankalp Thakur was in front row for that event, PCF 3. Sankalp, तुम्हें याद है क्या? Yes, बोल दे chat में, अगर तुम्हें याद है तो. Oh wow. Do you remember me first of all in that event? भाई आई थी 20 साल जनता. भाई इधर ही flush आ गया ऊपर देख. Yeah.
let's just go to the this one hand and then we'll I think conquer it off. तब तक सोच दे स्ट्रीम कैसे एंड करना है, फनी करना है कुछ.